ऐसे प्रॉब्ली वी कैन स्टार्ट विद यू. बिल्कुल हो आप सकता अपने है, बारे में क्या क्या थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और अपने काम के बारे में बिल्कुल थोड़ा बता सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वी वुड लव टू लिसन टू योर सॉन्ग्स, योर म्यूजिक. भाई। एहसन बारी मेरा नाम है और मैं आई एम बेस्ड इन कराची पाकिस्तान, और मुझे म्यूजिक करते हुए 20 साल हो गया तकरीबन अब कोई, और बल्कि ज्यादा हो गया, थोड़ा प्रोफेशनली बजाते हुए मुझे तकरीबन 15 साल हो गया। म्यूजिक पढ़ते हुए भी तकरीबन 15-16 साल हो गया, अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, स्टडिंग म्यूजिक फॉर अ वाइल। एंड मेरा जो म्यूजिक का एक्सपोजर था वो बचपन से ही, मेरे जो सारे दोस्त थे उनका सारा म्यूजिक का एक्सपोजर जो था वो वेस्टर्न म्यूजिक का था, और मेरा जो एक्सपोजर था वो साउथ एशियन म्यूजिक का था। कुंदन लाल सहगल और मोहम्मद रफी साहब और ये सारा म्यूजिक हमारे घर में चलता था, मेहदी हसन, गुलाम अली, नुसरत फतेह अली, देसी म्यूजिक तो वो चलता था। और वो सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, फिर जो है मैंने एक रॉक बैंड ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद फिर मेरा सफर चलता रहा। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग म्यूजिक इन 2005, फिर मैंने फॉर्मली पढ़ना शुरू कर दिया म्यूजिक, पढ़ाया भी बहुत सारे टाइम, और 2006 ऑनवर्ड्स प्रोफेशनली मैंने काम करना शुरू किया इंडस्ट्री में एज अ म्यूजिक कॉम्पोजिशन। मेरा मेन फोर्टे है म्यूजिक कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट, म्यूजिक प्रोडक्शन। आई वर्क एज अ प्रोड्यूसर हियर नाउ, और फिर मैंने स्टार्ट किया एज अ कंपोजर में वेरियस स्टूडियोज में काम करना। आई गॉट अ चांस टू वर्क विद ऑल पाकिस्तान के जितने बड़े म्यूजिशियंस थे उनके साथ मैंने काम किया एज अ बडिंग कंपोजर में, ऑल ऑफ देम, यू नेम इट, सबके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर जो है लाइव परफॉर्मेंस करते ही रहते थे, और 2014 के अंदर फिर जो है मैंने अपना एक एंसेम्बल बनाया साउंड्स ऑफ कुलाची के नाम से, और साउंड्स ऑफ कुलाची जो है उसने काफी काम किया है अब तक, 6-7 साल हमें हो गए, वी हैव बीन टूरिंग। अच्छा, हमने टूरिंग किया है, एल्बम एक निकाला है, कुक स्टूडियो भी बजाया और भी बहुत सारे। फिर मैं पिछले 4-5 साल 6 साल से आई एम वन ऑफ दोज प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान जो एज अ थिंक टैंक भी काम करते हैं। वी इनिशिएट प्रोजेक्ट्स लाइक पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स आया था अभी, कुछ प्रोजेक्ट देखा हो, वो हमने काफी 4-5 साल लग के पेप्सी को फिर इनिशिएट किया था, बैंड्स निकाले उसमें। अब मैं आजकल जो है वो यहाँ जो आर्ट्स का सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान में, वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची है, उसका मैं डायरेक्टर स्पेशल प्रोग्राम्स हूँ फॉर म्यूजिक। तो वहाँ पाकिस्तान में कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी, एक अकेडमी है कराची में जहाँ से मैं पढ़ा, लेकिन वो भी डिग्री प्रोग्राम नहीं ऑफर करती। तो हम अब ये कर रहे हैं कि अकेडमी बना रहे हैं, उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करना है, बड़ा काम है वो भी। फिर कल्चरल पॉलिसी पाकिस्तान की जो है उसको मोल्ड करने के लिए भी हम वी बीन वर्किंग फॉर अ वाइल नाउ, बिकॉज यू गाइस नो के अनलाइक इंडिया, यहाँ जो है वो दिक्कत थोड़ी ज्यादा है हमें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें रोकते हैं इस तरफ काम करने को। डांस, म्यूजिक, लोग जो हैं वो तो ऑफ कोर्स दे लव एंटरटेनमेंट, दे लव डांस एंड म्यूजिक। तो मैं सबसे अपने जैसे दोस्त हूँ, घर में बैठा हुआ था दोस्त के, एक तो वो बात वहां चल रही थी, तो वो कह रहे थे भाई ये जंग हो गई और फलाना हो गया और यूं हो गया, वो जैसे नहीं बड़े नेशनलिस्ट किस्म के लोग होते हैं। तो मैंने कहा अंकल अभी तो 2 दिन पहले बैठे हुए सलमान खान की मूवी देख रहे थे तुम, और अभी तुम ये, ठीक है तो सोच तो बनाओ एक। तो बड़े बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस हैं और बहुत सारी चीजें, तो हम इस तरफ भी काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, बच्चों को स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस पे जाके जो है ना टीम्स बना रहे हैं, बच्चों की रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये भी मेरा एक शौक है। इसके अलावा जो है मैं जो सबसे बड़ा मेरा शौक है वो ये है कि मैं दुनिया भर का म्यूजिक सुनता हूँ, और मैं दुनिया भर के म्यूजिशियंस को अप्रोच करता हूँ, उनके साथ म्यूजिक बनाता हूँ, ट्रेवल करता हूँ, सीखता हूँ उनसे, उनका म्यूजिक अपना जो थोड़ा बहुत सीखा है वो उनके साथ शेयर करता हूँ, ये थोड़ा सा है। थैंक यू सो मच एसन. और ऑफ कोर्स तुम्हारे काम के साथ साथ द काइंड ऑफ यू नो जिस तरह के हम क्रिएटिव रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, जिस तरह के सोशल इश्यूज पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम सभी लोग अपने अपने तरीके से. और कवीश इनफैक्ट वो खुद भी बहुत से ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिनके जिनके बारे में हम
शायद उतना ध्यान भी नहीं देते या शायद उतनी कभी खुल के बात नहीं होती है। वो खुद भी उन पे बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी उनकी कविताएं हैं जो कंपोज भी की है उन्होंने। तो आई एम रियली हैप्पी वंस अगेन टू हैव बोथ ऑफ यू। मे बी आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड टू नो अबाउट एसन्स जर्नी इन म्यूजिक एंड यू नो उनका जो भी म्यूजिकल जर्नी एक्सपीरियंस और कितने सारे अलग टैंजेंट्स हैं उनके काम के। आई वुड ऑल्सो लव टू नो योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद आबिदा परवीन जी। आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड ओ अबाउट वाह 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 दैट। वाह, अम्मी अम्मी कहते हैं उनको हम, आबिदा जी को। और तो हम कॉन्सर्ट बजा रहे थे, पहली मुलाकात तो बहुत पहले हुई, जब मल्टीपल मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात ऐसे हुई कि यहाँ बड़े हमारे दोस्त एक्टिविस्ट और बड़े जबरदस्त म्यूजिशियन है सैफ समेजो, स्केचेस बैंड उनका है, और लाहुती के नाम से पूरी मूवमेंट चलाते हैं, यहाँ पे मेला भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो मैं स्केचेस में होता था, सैफ और मैं बैठे हुए थे, और हम जो है हमें स्टेज पे जाना था थोड़ी देर के बाद। वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स होता है और वो पूरा एक बड़ा मेला होता है, वहां हमने बजाना था। नौजवानी का आलम था, बहुत एक्साइटेड थे। तो हम बाहर खड़े हुए जो ना, वी वर जस्ट स्मोकिंग अप, और कि यार चलो अब घर परफॉर्मेंस में 3-4 घंटे हैं, एक जरा चार्ज हो जाते हैं, ठीक है म्यूजिशियंस का पता है आपको, जरा माहौल में आते हैं। तो वो आ रहे थे, तो क्या हुआ कि लड़का आया, उसने कहा आपके बराबर वाले कमरे में जो है ना आबदा जी हैं। तो हमने कहा कौन आबदा जी? कहता है आबदा परवीन। तो हमने तो सारा सुट्टा उट्टा वहीं फेंका, हमने कहा चलो यार भाई अभी चलो। अभी हम पहुंच गए वहां जाके, फिर जो है उनके जो नॉक किया तो लड़का बाहर आया, उसको हमने कहा कि हम मिलना चाह रहे हैं। उसने कहा अच्छा रुके, फिर हम चले गए अपने कमरे में, क्योंकि वो आया नहीं। थोड़ी देर बाद वो आया, कह रहा अपने इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट लेकर आए। तो फिर हम गए बैठे उनके साथ जाके, शी वाज सो हम्बल। वो पहली मुलाकात इस तरह हुई, और फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स पे हुआ। कोक एक दफा जब हो रहा था तो मैं किसी काम से गया, लेकिन एक जो सबसे बड़ा इनकाउंटर था वो ये था कि एक दिन जो है ना फोन आया, हम एक फिल्म का स्कोर कर रहे थे तो उसमें एक लाइन उनकी लेनी थी। तो उनके बेटे को, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा अम्मी को मैं कैसे रिकॉर्ड करूं? उसने कहा अम्मी कह रही है कि बारी को बोलो घर पे आए और गिटार लेके आए। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने सारा सामान उठाया, अपनी टीम को लिया, और हम वहां पहुंच गए उनके घर में, पहुंचे और बैठे जाके। एंड यू नो शी, आपदा जी का एक बड़ा चक्कर है कि वो शी शील ऑलवेज बी लाइक दिस, ऐसे वो हाथ बांध के रहेंगी एंड वो आपकी तरफ देखेंगी, वो सर झुका के देखेंगी, जी 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 वो बिल्कुल इतनी हम्बल, इतनी डाउन टू अर्थ। अब मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था, तो वो कह रही है बेटा ऊपर बैठो। तो मैं कह रहा हूँ अम्मी मुझे बैठने दें यहाँ पर थोड़ी देर, मुझे हवा आने दें इस तरह, ठीक है ना, मुझे लगने दें। अच्छा अब हम बैठ गए, उन्होंने कहा चलो इंस्ट्रूमेंट खोलो, अब हम थोड़ी संगत करेंगे, ठीक है। तो लिटरली जैसे हम दोस्त जैम करते हैं आपस में, वैसे ही जैम शुरू हो गई। हमने जैम किया, वो वीडियो रखी हुई है, मैं वहां पर हमारे साउंड कुलाची के भी यूट्यूब पे देखिएगा आप जाके। अच्छा जैम करते करते आपदा जी का है वो बड़ा, वो हु करती हैं वो अपने गाने के अंदर, हो ला वो करके आवाज लगाती हैं। तो उन्होंने आवाज लगाई और उन्होंने हु कहा, और हु कह के जो ना वो उन्होंने वो उस इट वॉज लाउड ये कहते कहते उनकी आवाज जो है वो जाते 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 गायब हो गई कहीं, ठीक है, उस तानपुरे के सुर के साथ। एंड देन 0 पॉइंट पे कहीं जाके उन्होंने शीशी पे टिक अप अगेन फ्रॉम दैट। हमारी तो ऐसे लगा कि रूह जो है ना वो निकल गई हमारे जिस्म से, और मैं तो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट वहां पर छोड़ दिया, बस मैं रोना भी शुरू हो गया था, काफी बड़ा स्पिरिचुअल था। आपदा जी के साथ, उनके साथ अम्मी कहते हैं जब भी बैठते हैं इट्स लाइक यार समझ नहीं आता कि ये वही हैं जिनके जिनसे हम इतना इंस्पायर होते हैं, क्योंकि इतनी हम्बल हैं। तो उनके जैसे मैंने लोगों को बहुत कम देखा है, बहुत कम, वैसे लोग मैंने नहीं देखे, बहुत कम देखे हैं, तो एहसास ही है अमेजिंग उनको। यार, सही में। आई थिंक दिस इज, आई एम लिसनिंग टू दिस फॉर द थर्ड टाइम और द फोर्थ टाइम, बट यू नो इट स्टिल गिव्स मी द सेम गूज बम्प्स। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एक क्विक अनाउंसमेंट ये है कि क्योंकि ये जूम सेशन है तो ये हर 40 मिनट में खत्म हो जाता है, तो ये जैसे ही बंद होगा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सेम लिंक पे जाके दोबारा लॉग इन कीजिए और फिर से वापस आएंगे। बहुत सारे किस्से हैं इसिन से सुनने हैं, कवीश से सुनने हैं। तो ऐसे यार सीधे आप चलो गाने गाने सुना दो यार अपने, ऐसे फरमाइशें गाना हम शुरू सुनाए कर देंगे आप। चलो।
गाने की तरफ कुछ करते हैं यार, मैं तो कवीश से कुछ सुनना चाह रहा था पहले। क्या बिल्कुल बिल्कुल, मत, वो भी है, बताएंगे मुझे तो, वो मैं तो भी। तैयार था, ठीक बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। है ठीक है, जो भी। हाँ श्रेया 15 मिनट में जाएगा ना? हाँ, बस 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट मैं चाह रही थी कि तब तक अगर आप अपना भी इंट्रो दे दो थोड़ा सा, एसएन के हाँ लिए, चलिए बाकियों फिर के लिए, फिर दूसरा सेशन मैं, जैसे ही शुरू होगा 8 मिनट में होने वाला है, तो तब हम गाने सुन लेते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हाँ, मैं क्या अपने बारे में बताऊँ हेलो, क्या हो गया? अरे अरे अरे, कौन है ये? ठीक है ना? मैं अरे बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के, आपको सुन सकते हैं हम, लेकिन आप जो भी हैं प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे माइक ऑन है, मैं जैसे उबैद से बोलूंगी, शिल्पा है, बाकी सब तो ठीक है। हाँ या सॉरी कविश, प्लीज गो ऑन। हाँ तो मैं अपने बारे में बताऊं, कैसे बताऊं, मैं तो अक्सर कविताएं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से इज्जत से एहसान भाई ने बताया है उसी तरीके से मैं बताऊंगा। पोएट्री करने लग जाऊंगा तो शायद गलत होगा एकदम से। तो कुछ नहीं, मतलब अक्सर, लेकिन कम वक्त आप भी पोएट्री रही ना जहन में, ये सवाल ही इतना बड़ा होता है। पर मैं कुछ नहीं, मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इन सवालों के अब पार हूँ। सवाल है असल तो है कि ये कि क्या मैं खुद के साथ हूँ। तो यही संघर्ष चल रहा है आजकल कुछ दिनों, जब से लौटा हूँ मतलब नागपुर से। मैं क्या, मतलब क्या करता हूँ वो बता सकता हूँ, और मतलब म्यूजिक स्वर साधना करता हूँ, और मतलब एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस उसको चुना है। और उस सिलसिले में जुबान करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो आई थिंक 2016 में हुआ था, नहीं 15 में हुआ था, तो 2015 में हुआ था। तो जुबान म्यूजिकल प्रोजेक्ट है जहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अक्रॉस द डिफरेंट म्यूजिकल सीन्स हम लोग कोलैबोरेट करते हैं और नए नए गाने बनाते हैं। और ये चीज़ भारत में कर रहे थे हम, मतलब कर रहे हैं अभी 1-2 साल से हम प्रोडक्शन में गए हैं, तो गाने अब रिलीज कर रहे हैं। जुबान के तो कुछ रिलीज हैं, मैं अब अपने भी कर रहा हूँ, मैंने अभी तक अपने गाने रिलीज नहीं किए, उसकी कई वजह है। और खैर बीच में, मतलब आई थिंक 3-4 साल हो गए, मैं एक नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा था, और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया था। तो उसका नाम भी मैंने मतलब नूरी रखा था। नूरी इसलिए रखा था, मैंने कॉलेज में बहुत पहले नूरी बैंड किया जिससे नहीं रखा था, मगर मैं मुझे याद है कि नूरी बैंड अभी हमारे कॉलेज में 2nd ईयर में किसी ने कवर किया था। खैर तो मेरी मेरी एक्स थी, उसका मैंने निकनेम नूरी रखा था, तो इसलिए हमने नूरी रखा था उसका इंस्टाग्राम का भी नाम। पर वो वहाँ से काफ़ी आगे आ चुकी है, उसके भी 2 बच्चे हो गए हैं, मेरे मेरे पास 4 नूरियाँ हो चुकी हैं, और काफ़ी प्रोग्रेस हुई है उसमें। बाय दिस ईयर एंड आई थिंक वो ओपन कर दूंगा मैं टू टू अदर्स। और नूरी में बेसिकली क्या है कि वो गिटार, रबाब, सरोद, वाह ऊद वाह वाह, और पॉलीफोनिक नेचर है। तो मतलब क्या उसमें हाँ, क्या है कि आप हिंदुस्तानी संगीत तो कर ही सकते हैं, मतलब जो इस कॉन्टिनेंट का है, और फिर साथ ही साथ आप मतलब श्रुति गायन और वादन कर सकते हैं, साथ साथ आप अरबी माइक्रोटोन्स जो बजाते हैं वो भी कर सकते हैं, जो आप ऊद में कर पाते हैं, वाह और साथ में आप गिटार में जैसे कॉर्ड्स बजा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओहो, तो उसका मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आज। और
और ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ मैं अपने लिए बस यही सब होता है। मैं कुछ मैं सेशन खत्म हो उससे पहले एक दो पोएट्री सुना देता हूँ, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो एक पोएट्री है कि एक शायद सुनी होगी, मुझे अक्सर ये सुनाने में मजा मतलब अच्छा लगता है, मतलब शुरू करने से अच्छा लगता है। तो यह है कि मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, बिखरे होते हैं तो बिखर जाता हूँ, निखरे होते हैं तो निखर जाता हूँ, अपनी अना अपना होना दूसरों पे नहीं जताता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, समा जो भीतर मेरे आज है वही तो मेरा समाज है, इस समा को अपने ख्यालों से बदलता जाता हूँ, इस समाज को अपनी बातों से बदलता जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, दोस्तों के संग दोस्तों सा हो जाता हूँ, हवा का झोंका हूँ हवाओं में हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, बिल्कुल आंख बंद करूं तो पूरा हो जाता हूँ और आंख खोलूं तो अधूरा हो जाता हूँ, मुलाकातों से मैं बनता जाता हूँ, मुलाकातों से मैं बनता जाता हूँ, इंसानों से मिलते मिलते मैं इंसान होता जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। बस इतनी सी पोएट्री थी और मैं दूसरी एक सुना देता हूँ, वो क्योंकि इसी लॉकडाउन के वक्त लिखी थी और एक किस्म की कि शायद किसी ने नहीं सुनी होगी तो इसीलिए मैं सुना रहा हूँ। ये एक तरीके से पिछले साल खाना बनाना भी शुरू कर दिया था और घर के सारे काम शुरू कर दिए थे करने, तो खाना बनाना क्योंकि शुरू किया था तो खाने पर एक पोएट्री एक मतलब चौपाई छंद पे लिखा था मैंने, तो वो क्योंकि इसमें भी बहुत से छंद है तो वो भी चालीसा हो गई, तो रसोई चालीसा हो गई। तो इसमें तीन खंड है, एक है कि एक खाना बनाने पे है, दूसरा समाज मतलब दूसरा पॉलिटिकल मतलब एक तरह से सामाजिक है, तीसरा पॉलिटिकल। तो ये तीन खंड है इसमें, तो ये तीनों से गुजर के मतलब तीनों सुनाता हूँ, ठीक है ना? मतलब सब हैं साथ में तो फिर आगे बढ़ता बिल्कुल हूँ यहाँ साथ से में, साथ कुछ। में बस 1 मिनट में ये सेशन ओवर हो जाएगा, तो एक हम मिनट में, हाँ लेस देन अ अच्छा मिनट, लेस देन अ ओके, मिनट, तो फिर तो यार ये तो लंबी चलती थोड़ी ये तो ठीक है। तीन तो हम बस ये खंड लेस देन अ मिनट है, तो हम बस इसके तुरंत बाद ही फिर से लॉग इन कर लेंगे सेम लिंक से। जितने भी लोग ठीक हमारे है। साथ जुड़े हुए हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही ये सेशन एंड होता है, आप वापस उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा हमारे साथ इस सेशन पे जुड़ सकते हैं। हिम्पा कुट्टी, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, लॉग इन विद द सेम लिंक दैट यू हैव हियर एंड वील गेट बैक टू द सेम सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट इज जस्ट अबाउट टू एंड। ठीक है, ऑकवर्ड साइलेंस, या हाँ ज्वाइन करते फिर। हाँ ज्वाइन तो करते मैं हैं एंड, हाँ बस होने ही वाला है, ठीक है एंड कर देते हैं। मैं हाँ कर बेनिफिट लीजिए, ऑफ डाउट दे रहा था, मैं सोचा कि 1 मिनट से ज्यादा दे देते हैं दो। खैर अच्छा कवीश को पिन कर हाँ, लीजिए। तो ये रसोई चालीसा मैं सुना रहा हूँ, सुनाता हूँ ठीक है। ये तो ऐसी है, ऐसी जाती है कि रसोई चालीसा कि स्वादिष्ट स्वस्थ माते का खाना करुणा काल में हमने जाना, अपने हाथों नौबत आई जब ना आए बर्तन धुलवाई, मिलते थे जब चावल रोटी दिखाते थे हम आंखें मोटी, अब जो गायब हुआ रसोईया खाना कौन बनावे भैया, नहीं चलते स्विगी जोमैटो सड़ रहे 1.5 किलो टोमैटो, बीते दिन बहुत याद आए जो चाहे झट से मिल जाए, रोना गाना किसे सुनाऊं भूख मरी में भूख मिटाऊं, अपने घर में अनजान ठहरा देखा नहीं किचन का चेहरा,
इंटरनेट का लिया सहारा, आंटियों को खूब निहारा, थोड़ी मुझको हिम्मत आई, इतना भी मुश्किल नहीं भाई, ले ली दाल अब एक कटोरी, अरहर की जैसे कोई गोरी, दो कप उसमें पानी डाला, 10 मिनट का मैं चप गया माला, चूल्हा जब हम चले जलाने, भूल गए हम मसाले लाने, छान लिया घर मैंने सारा, थक खा कर बन हुआ खारा, माते को फिर कॉल लगाया, अलों को भाई कहाँ छुपाया, हरी खोटी हमको सुनाई, फिर उसकी हमें जगह बताई, अब वो दाल कुकर में डाली, बजने को है सीटी साली, क्या बनाए चावल या रोटी, अपनी तो नियत ही खोटी, जैसे तैसे बना पराठा, आड़ा टेढ़ा फूटा नाटा, खाने में क्यों करे दिखावा, कौन देखे घर में पहनावा, हींग जीरा मिर्ची डाला, जल्दी करो चिल्ला रहे लाला, एक फांक में खत्म कर जाए, बनाने में उम्र लग जाए, अपने हाथ का खाना खाया, फीके में भी आनंद आया, कल से ये बेहतर कर लूंगा, नमक तनिक ज्यादा कर दूंगा, अब फिजूल का मैं नहीं खाता, जितनी भूख उतना बनाता, खाने में दिलचस्पी आई, रसोई की अब शुरू पढ़ाई। ये पहला खंड था, अब दूसरा खंड आता है, बचपन में क्यों रास ना आया, रसोई पाठ क्यों नहीं पढ़ाया, पढ़ लिख के तू बड़ा बनेगा, झाड़ू खटका थोड़ी करेगा, लड़कों को ही मिला बढ़ावा, उन्हीं पे सब किया चढ़ावा, है ये कैसी लक्ष्मण रेखा, स्त्री को ही किचन में देखा, परिवार हो गए रजवाड़े, दफ्तर दुनिया बने अखाड़े, तो रजवाड़े यानी किंगडम्स, तो परिवार हो गए रजवाड़े, दफ्तर दुनिया बने अखाड़े, दुनिया जीत के जो लाएगा, सुख सुविधा उम्र भर पाएगा, घर के काम अपने नहीं होते, बेवजह हम समय है खोते, मतलब सिर्फ लोगों से अपना, पैसा मिलना वाजिब सपना, हैं चले सब जीतने दुनिया, भले भाड़ में जाए ये दुनिया, अपने अपने लिए लड़ाई, साथ समाज समझ ना पाए, तो अपना अपना देखे भैया, सरकार से ना मिले सिवैया, घर बार चलाने की मजबूरी, बढ़ा गई है सबसे दूरी, बचपन से ऐसा ही देखा, बचपन से ऐसा ही सीखा, चलते थे जो तौर तरीके, आंखों देखी हमने सीखे, जहां हमको थे पेड़ लगाने, पौधे पाल के सीने ताने, जहां हमको थे पेड़ लगाने, पौधे पाल के सीने ताने, जहां हमको थे कुंड बनाने, चले सुबह बाल्टियां भराने, अपने दूर पड़ोस पर आए, होता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन अक्सर शहरों में हम ये पाते हैं कि अपने दूर पड़ोस पर आए, हालात फिर बिगड़ ही जाए, आस पड़ोस जब ना है भाया, पर्यावरण सो हुआ पराया, तो जब आपका आस पड़ोस भी आपको नहीं भाएगा, एनवायरनमेंट पर्यावरण पराया हो जाएगा, तो एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स आर सोशल प्रॉब्लम्स, ये समझना बहुत जरूरी है, तो धरती पैसों से नहीं चलती, ना दमन से हमारे डरती, घर के काम में हाथ बटाना, है प्रकृति के निकट हो जाना, मिट्टी पुतला बन में आया, मिट्टी को कब हाथ लगाया, देख रहा हूं कैसे सपने, दूर हो रहे हैं मेरे अपने, ये बातों को बात को बातों से बढ़ाओ, हाथ पांव को अब चलाओ, देश दुनिया की मत सुनाना, पड़ोस से ही सुधरे जमाना, पोथी पढ़ में कैसा ज्ञानी, व्यर्थी है सारी अभिमानी, सने हाथ जब आटा मांडे, दुनिया जाने पंडित पांडे, सरल नहीं घर बार चलाना, है जैसे कोई धर्म निभाना, जब तक धर्म प्रेम से चलता, रसोई में रस तब तक बहता। अब इस तीसरा खंड है, वो है कि सब्जी मंडी और किराना, लगा रहता अब आना जाना, पैसों का जो मोल है जाना, बंद हुआ मोल भाव का गाना, कई सवाल मुझको अब आए, सब्जी ये रोज कहाँ से लाएं, सवाल सड़क पे खड़ा अकेला, खरीद फरोख्त का लगा है रेला, ये बाजार के कैसे रिश्ते, सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलते, पैसों के आगे बात बढ़ाना, नहीं मंजूर ऐसा जमाना, ये आटा ये चावल रख लो, थोड़ा ज्यादा घर में भर लो, कह रहे भला चाहने वाले, जान भाई पहले अपनी बचा ले, दिखे सब करते जमाखोरी, आम हुई जिंदगी की चोरी, अपने को मुश्किल ना आए,
भले गरीब मर ही जाए, फीका है सब खून पसीना, अब ऐसे किसको है जीना। फीका है सब खून पसीना, अब ऐसे किसको है जीना। हम जो चाहें वो हो जाए, मैं ही मैं हो ना हमसाए। है अमीर लोग कैसे साथी, दबाए रहते गरीब की छाती। जो जितना ऊपर रहेगा, क्या उतना ही वो जुल्म करेगा। घर में देख गाजर मूली, चढ़ रहे किसान कहीं सूली। दूर दराज से सब्जी आए, अपने देश में हम पराए। हर दिन हमने खाना खाया, किसानों ने क्या कभी जताया। शर्मिंदा अक्सर खुद को पाता, देख किसान और मेरा नाता। आज के हालात को अपनाता, नहीं मैं अपनी नजर छुपाता। चिंतन कर मैंने अब जाना, छोड़े सब अपना मैं खाना। मिलने से मैले नहीं होते, अकेलेपन में कैसे सोते। अब झुकना पड़ रहा है सबको, हाथ मिलाना है अब हमको। एक दूजे के बिना अधूरे, साथ हो करके होंगे पूरे। धन दौलत सब कुछ नहीं भाई, साथ ही सबसे बड़ी कमाई। साथ ही सबसे बड़ी कमाई, साथ ही सबसे बड़ी कमाई। बहुत बड़ी कविता है, पर चालीसा है तो बड़ी होगी। बहुत बहुत खूबसूरत कविश भैया, शुक्रिया भाई। बहुत खूबसूरत। तो ये अक्सर कह कह के थोड़ा बोल जाता हूँ मैं, थक जाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ी है। मैं गाने पे आता हूँ। मुझे खुशी है कि आपको अच्छी लगी। उबेद भाई, आप भी लिखते हैं, अच्छा लगता है जब कलाकार आपकी कलाकृति को पसंद करें। एक एक जरूरी यही होता है ना भैया, कि एक एक चीज को पकड़ना। देखिए राइटर हर कोई, आज के टाइम में हर कोई लिखता है, कोई ओपन कविताएं लिखता है, कोई शॉर्ट में लिखता है, कोई कुछ लिखता है, पर बारीकियों को देख के समझ के लिखना, एक एक चीज पे गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वही चीजें आपने पकड़ी है छोटी छोटी सी, वरना सिंपली ये जाहिर सी बात है, अगर मैं घर में पहली बार खाना बनाऊंगा तो मुझे आइडिया ही नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी माँ को ही कॉल लगाऊंगा। बहुत बहुत ही अच्छी लगी कविता, बहुत अच्छी। ये कहीं अपलोड है आपकी? या पूरी तो नहीं करी है, बोलो तो कर दें। हम वैसे बहुत आलसी हैं, अपने आलसी तो नहीं कहेंगे, कि मुझे तो अब खुद से ही भरोसा उठने लगा है मुझे कि मैं कभी क्या रिलीज करूंगा, लेकिन अब मैं करने लगा हूँ। इसका सिर्फ एक खंड मैंने किया था पिछले साल, पूरा नहीं किया मैंने। पूरा मैं शायद ब्लॉग पे कर दूं, मतलब ऐसे कुछ लिख के कर दूंगा। हाँ आप करिए, मैं वॉइस ओवर करूंगा इस पोएट्री का आपके लिए। चलिए, बढ़िया बढ़िया, तय रहा फिर। हाँ ठीक है, तो कुछ गीत भी सुना दें, क्योंकि बहुत सारी रसोई चालीसा के बाद तो ठीक है। तो पहले मैं गिटार पे सुनाऊं या नूरी पे कुछ? नूरी 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 सुना। अच्छा ठीक है, और नूरी दिखाएं भी जरा। जी जी, तो ये सबसे लेटेस्ट नूरी है। अब कैसे देख, पता नहीं दिख भी नहीं ना इसमें ढंग से। कविश थोड़ा सा फ्लैप को नीचे करके, हाँ, क्योंकि अभी काफी रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे, थोड़ा सा फ्लैप पीछे चलेगा। हाँ पीछे, गो बैक। हाँ तो मैं दिखाता हूँ, ये नागपुर नूरी है, ये नागपुर में बनी है, ये वाली मैंने खुद बनाई है। और तो ये से थोड़ा और लगाव भी है मुझे। और ये इसमें काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे इसको दो तरीके से बजा सकते हैं। एक तो जैसे आप ल्यूट को बजाते हैं प्रॉपर ऐसे, वैसे मतलब ऐसे, हाँ
तो मतलब आप ऐसे बजा सकते हैं, और दूसरा आप ये इसके जो रेजोनेंट स्ट्रिंग्स हैं ये प्लकेबल हैं, यानी यूजुअली रेजोनेंट स्ट्रिंग्स को आप मतलब बजाते नहीं हैं, तो इसको लेकिन हम हार्प की तरह बजा सकते हैं, जैसे स्वरमंडल, तो जैसे इस मतलब ये आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट प्लकिंग कर सकते हैं। तो इसको जैसे तंबूरा करके एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मैंने भुज में देखा है और कबीर भजन गाने वालों को देखा है, तो अक्सर वो ऐसे पकड़ के गाते हैं। एक मिनट, क्या बात, वाह वाह। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बजा सकते, थोड़ा सा उतर रहा आज। तो बेसिकली आप यहाँ पे प्लकिंग कर सकते हैं और साथ में आप इसको लेते हुए गा सकते हैं, मतलब एक आउट ऑफ ट्यून है जी। तो ऐसे करके ये ज्यादा गायकी के लिए बहुत हो जाता है, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूँ इस स्टाइल को, और इस स्टाइल में तो आप मतलब पुरानी नूरी से ही शुरू कर रहे थे, अभी थोड़ी सी इसमें एक दिक्कत आ गई है कि ये थोड़ा सा वार्प हो गया है फ्रेटबोर्ड, तो हैव टू चेंज द फ्रेटबोर्ड, वो कल करने वाला हूं मैं, पर मतलब थोड़ा सा बस कर रहा है यहां पे जैसे। खैर, तो मेरे पास है और भी नूरियां हैं, तो उस पे बजा दूंगा। ठीक है, कुछ सुनाता हूँ। मैं दूसरी नूरी पे सुनाता हूँ, रुकिए। तो ये पुराने इसमें डिजाइन ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था, लेकिन इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी थी। Thank you.
दिक्कतें हो रही है मुझे इसमें क्या है कि तरफ के तार लड़ रहे हैं व्हाइल आई एम प्लकिंग द मेलोडी स्ट्रिंग्स और हमारी इसमें भी रू लग गई है हमारी इसमें भी रू लग गई है जबरदस्त वाली सही में लग अच्छा अरे मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है अभी एक मिनट कोशिश करता हूं वाह 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 आप ये करते रहे जो आप कर रहे हैं मैं पूरी रात सुन सकता हूं मैं ये
थोड़ा सा कॉर्ड वगैरह नहीं बजाए मैंने, लेकिन मतलब उस पे कुछ एक छोटी सी इनोवेशन बाकी है और फिर और फ्लुएंट हो जाएगा। कॉर्ड बचते हैं इस पे और बाकी सारी चीजें भी हो जाती है। तो इसकी आवाज थोड़ी सरोद रबाब गिटार ऊद के बीच की है। सरोद में बहुत वो होती है, हाइज बहुत आगे होते हैं, बहुत ही वाटरी होती है सरोद की आवाज। रबाब की बहुत ही मर्दानी होती है और गट स्ट्रिंग्स की होती है, तो इसकी समवेयर बिटवीन पड़ती है, ऐसा है। क्या बात है यार, वाह 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 वाह। ये तो मैं एक जो है वो जैसी आप इसको कमर्शियल करोगे मैं शायद फर्स्ट बायर होऊंगा इसका। एब्सोल्युटली बढ़िया, खूबसूरत खूबसूरत सोच है यार, खूबसूरत सोच है। हाँ मजा तो आता है मुझे बहुत रियाज करने में, बस ये क्योंकि नया इंस्ट्रूमेंट है और ल्यूथियर साइंस जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है, मतलब बहुत प्रोग्रेस नहीं करी है, तो बहुत स्ट्रगल्स हैं इंस्ट्रूमेंट को बनाने में, पर कोशिश है कि जो पुराने महारथी ल्यूथियर्स हैं और मॉडर्न टूल्स हैं और मॉडर्न साइंस है मिल के इंडियन मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में बहुत इनोवेशन ला सके, ये कोशिश है। तो ये वही नूरी उसी की कोशिश है कि मतलब मैं कोलैबोरेशन बहुत करता हूँ, तो बहुत से आर्टिस्ट लोगों से मुलाकात होती है, मतलब बहुत ही फनी है। मैं बनारस का किस्सा है, मैं बनारस में गलियों में गा रहा था तो एक चाचा आए, उन्होंने बोला कि बेटा चलो आओ घर चलो। तो मैं जब घर गया उनके तो चाय पिलाई, सुबह सुबह की बात थी, लगभग 7-6 बजे होंगे। तो मैं जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा था तो एक बच्चा तबला बजा रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरा पोता है बजा रहा है सुबह से, मतलब 1-2 बजे से, तो 5 घंटे उसका रियाज चल ही रहा था अच्छी तरीके से। तो मैं बोला वाह यहाँ तो गजब किस्म का किस्म की साधना है। तो मैं पहुंचा और उसने बोला भैया आप रुकिए मैं एक और को बुला के लाता हूँ, हम साथ में संगत करते हैं। तो किसी को बुला के लाता है, वो आता है, वो सरोद लेके आता है और बंदा स्पैनिश होता है, तो वो बंदा सरोद पे बैठता है और मैं गिटार पे बैठता हूँ। The irony of it एकदम झलकती है, और जब वो सरोद बजाता है तो मेरा मतलब माइंड ब्लो हो जाता है, क्योंकि मुझे वो इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट लगता है वो। और वहीं से एक तरीके से मैंने ये चीज़ जानी कि मतलब इंडियन मतलब बस रिश्ते गुम हो जाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते है। तो ऐसे ही एक रिश्ता जब गुम हो गया था बनारस में, तो जगजीत जी और गालिब साहब के साथ बैठा था रात को और कोस रहा था कि भैया कैसी मोहब्बत हो गई है, कैसा जमाना आ गया है। तो उसको फिर वैसी फिर वो नज्म कंपोज हुई। Thank you.
कहाँ है वो जमाना चला गया है वो मोहब्बत अब कहाँ है साथ सहूलियत में सब ढूंढे सब रो इंतजार कहाँ है वो जमाना चला गया है वो मोहब्बत अब कहाँ है वो दिन कब के चले गए इंतजार करते थे कभी वो दूरी कब की नहीं रही है करीब लाती थी कभी आज हमें फुर्सत कहाँ है आज हमें फुर्सत कहाँ है आज यहाँ है तो कल वहाँ है वो जमाना चला गया है वो मोहब्बत अब कहाँ है सुनने की खुशी वो अलग है लेकिन एक तो आपकी जो म्यूजिक के ऊपर कविता तो आप कहते हैं बहुत अच्छी लेकिन म्यूजिक म्यूजिक के ऊपर जो आपकी कमांड है और जिस तरह का काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिनोमिनल है। मैं खुशी हो रही है कि हमारे क्योंकि मैं पाकिस्तान इंडिया को जो है वो अलग से नहीं समझता, मैं सब कॉन्टिनेंट हमेशा से वो करता हूँ कि हम एक ही वो हैं क्योंकि सारा कुछ एक ही है और उस रीजन में आपके जैसे लोगों का मौजूद होना तो मुझे बड़ी मजीद हिम्मत मिल रही है कि यार बड़ा अच्छा है जिनको म्यूजिक आप इंस्ट्रूमेंट कार जो कर रहे हैं वो मैं म्यूजिक थ्योरी का भी स्टूडेंट हूँ पिछले 15 साल से तो मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत कमाल काम है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे रीजन से इस चीज़ का जाना क्योंकि मैं अभी पढ़ा था परसों
अपने स्टूडेंट्स को तो मैं बता रहा था कि हम वो तहजीब हैं, हम वो सिविलाइजेशन हैं जिन्होंने, जब दुनिया फोक म्यूजिक बजा रही थी तो हम म्यूजिक थ्योरी बना रहे थे, हम वो हैं। हमारी तो घुट्टी के अंदर जो है ये बसा हुआ है। तो बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया एहसान, शुक्रिया, मुझे भी हिम्मत मिली ऐसे। अभी इतना अकेले हो गए कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे मुलाकातें महंगी हैं, मतलब पैसों से भी और समय से भी, ठीक है। तो कराची भी ऐसे ही है, कराची बिल्कुल ऐसे ही, कराची अच्छा पता नहीं कब होगा आना, जरूर होगा, जल्दी होगा, मिल गए हैं भैया तो जल्दी होगा। आए मेरी सालों की मेहनत, मेरी सालों की सालों का इतना बड़ा सपना। I am so happy that you guys actually made it today. और मुझे इतनी खुशी है कि मैं मिल रहा हूँ शख्स से, मुझे बहुत खुशी हो रही है मैं इनसे मिल रहा हूँ। I'm honored, really honored. That's me. Now I can hope that you know there is something really interesting coming up from of this course, together. Absolutely. absolutely, absolutely. इनको मैं तंग करूँगा बहुत, बहुत तंग करूँगा इनको. Look forward to it. तो हमारे पास फिर से, हाँ जी बिल्कुल, एक मिनट से कम हमारा समय है, जितने लोग हमारे साथ खत्म करके फिर आ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दोबारा से उसी लिंक पर जाकर वापस इस सेशन में जुड़ सकते हैं। और कविश कुछ फरमाइशें भी आई हैं कुछ लोगों की जो आपसे सुनना चाहेंगे गाना, अपनी अपनी फरमाइशें लेकर आ बिल्कुल ये सेशन जैसे खत्म होता है हम दोबारा ज्वाइन करते हैं और वापस मिलते हैं यहीं पर। प्लीज यूज द सेम लॉगिन, प्लीज यूज द सेम लिंक टू लॉगिन अगेन टू द सेम सेशन। थैंक यू सो मच। हाँ एहसन राइट, कविश जरा आ जाए तो फिर मैं शुरू करूंगा। कविश है यहाँ पे। कविश आ गए, हाँ आ गए कविश। एसन कविश आ गए, आ गए कविश, शाम मुझे नजर आया अभी। तो क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। कविश एक तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ म्यूजिक का, एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट देख के बड़ा इंस्पायर हो गया मैं, और खुशी भी हो गई कि यार ये हो रहा है यहाँ से। मतलब क्या होता है कि इंडिया से भी कोई कर रहा होता है, पाकिस्तान से भी कोई कर रहा होता है, वो एक ही, मतलब मैं जितने भी मेरे, मैं टूर कर रहा होता हूँ जब भी है, जो भी मैं अपने दोस्तों को यूरोप अमेरिका भेज रहा होता हूँ, तो इंडिया से भी कोई करता है तो मैं ये कहकर भेजता हूँ कि हमने किया है, और वो पाकिस्तान है ऐसा ही है बेसिकली। और पाकिस्तान से भी किसी ने किया होता तो वो मैं वैसे ही भेजता हूँ, हमने किया। तो आपका सारा म्यूजिक, सारा कुछ जो है ना, वो मैं खुद ओन करता हूँ, मुझे लगता है खुशी हो रही है बहुत मिलके। दिल तो ये चाह रहा था कि मैं आपको सुनता रहूं, श्रेया ने शर्त आयद कर दी कि मैं कुछ सुनाऊं। आपका सॉन्ग राइटिंग स्टाइल इतना प्यारा है यार, स्टोरी टेलिंग इतनी प्यारी है आपकी, क्या बात है खूबसूरती। और मैं आपको बहुत तंग करूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई बहुत तंग करूंगा। अभी श्रेया जो है मुझे आपका सारा कॉन्टेक्ट दे देगी यकीनन, और फिर जो है वो बात तय हो गई है हमारी, ये एसन के आने से पहले ही सब तय हो गया। इस सेशन के बाद मुझे कॉल करना, हम बात करेंगे, ठीक है। जो है वो कविश को मैं बहुत तंग करने लगा, मुझे बहुत सारा सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारा कुछ समझने को भी मिलेगा। बहुत एक्साइटेड हूं कोलैबोरेशन के लिए। सेम हियर, सेम हियर। मैं कुछ एक दो चीजें कोशिश करता हूँ सुनाऊं। एक ये जो एक गाना जो है वो कंपोज किया 2014 के अंदर, और वो फिर जो है पाकिस्तान में भी बहुत कवर हुआ, हिंदुस्तान में भी बहुत बच्चों ने कवर किया। अच्छा वो शायद इसलिए
क्लिक किया लोगों को कि उसके पीछे कहानी थी बड़ी मजे की। वो कहानी ये थी कि 2009 के अंदर हम जो है ना हिंदुस्तान गए पहली बार। अब दादा परदादा की हम भूमि तो वही है, तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि यार देखे क्या है। और दादा जो हैं और दादी जो हैं वो नानी जो हैं वो सब सुनाते रहते थे मुंबई की कहानियां सारे। हम तो नहीं गए थे कभी, अभी मैं भी कभी नहीं गया हूँ मुंबई। अगली दफा जब आऊंगा तो जाऊंगा, अपने देखूंगा सारे दादा परदादा का घर, नानी का। लेकिन जो वो बताते रहते थे कि क्या है, तो वो रूट सारी कनेक्ट करते थे हम कि यार हम हैं तो वहीं से, कुछ भी कर लें। और जब हमारे यहाँ, मजे की बात बताऊं, जब शादी होती है हमारे यहाँ, हम जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन है, प्राइमरीली कोकनी एक कम्युनिटी है, तो यहाँ पर भी है क्लोज कम्युनिटी, तो वो कहते हैं कि जो रिश्ता आया जब लड़की का, वो कहते हैं लड़के का, कहते हैं अच्छा जी कौन है, हिंदुस्तानी है जी, इस तरह से वो रिश्ते लग रहे होते हैं यहाँ पे ना। तो मतलब इतना क्रॉस कल्चरल अभी भी सीन है। तो हम गए 2009 में जब पहली दफा, तो मैं जो उससे पहले से माँ सरस्वती का भक्त था, तो मैं जब देखा उधर मूर्तियां वूर्तियां मिल रही थी, तो मैंने एक वो मूर्ति जो है मुझे बहुत अच्छी जो है किसी ने गिफ्ट दी, वो मैंने अपने पास रख ली। और बुद्धा की एक मूर्ति मुझे दी, दो मूर्तियां मैं लेकर आ गया घर। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो बड़े थे, तो बड़े अच्छे आदमी, लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया, लेकिन जो है वो थे तो बड़े अच्छे आदमी, प्यारे, बहुत खूबसूरत आदमी, ब्यूटिफुल वर्ल्ड स्टाइल आर्टिस्ट टाइप आदमी थे। लेकिन जो है वो अंदर उनके एक मुसलमान जिंदा था, खतरनाक किस्म का। तो वो कहते थे कि उनको पता लग गया कि जी माँ सरस्वती की मूर्ति लाया और उसने लाके जो है अपने उधर लगा दिए, और बाकायदा लगा दिए धड़ल्ले से। तो उन्होंने मुझे शाम में बोला कि आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू। तो ये जब ये होता था कि आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू, तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस बात है। तो वो कप ऑफ टी हुआ और उन्होंने कहा यार ये तुमने लगा दी है, आई मीन एज अ पीस ऑफ आर्ट आई डोंट माइंड दिस, बट यू नो। सो आई सेड के आई वांट टू कन्फेस कि मैं जो है ना वो माँ सरस्वती का भक्त हूँ। व्हाट डज दिस मीन। वो रिलेट नहीं कर पाए इससे। मैंने कहा पापा ये बड़ा एक स्पिरिचुअल सा चक्कर है, यू नो आप शायद इसको समझ नहीं पाओगे, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मेरी जो मुझसे छोटी वाली बहन है वो समझ रही थी चीज़ों को थोड़ा, शी सेड पापा को पहले कह चुकी थी इससे नहीं बात करें इस बारे में, ये आपको कहीं वो करेगा। पापा सेट के नहीं नहीं और वो फिर गर्मा गर्मी होती गई, और वो फिर चाय तो साइड पे हो गई, और फिर वो उन्होंने मुझे जो है वो उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम बहुत, उन्होंने मुझे बातें की, गलत बातें की उन्होंने मुझे। ऐसे ना आप म्यूट पर हो, आपको नहीं सुन सकते। अभी भी म्यूट पर हो आप। नहीं ऐसा ना, आप म्यूट पर हो। Let me try calling him. Okay, he's here. ऐसा ना आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भाई क्या आवाज? हाँ जी। I think my internet connection, my friend is trying to solve it, but अब ठीक है। सही आ रही है बाबा। हाँ। अच्छा। तो वो, you know, उसके बाद जो है, वो next दिन जो है हमारे यहाँ जुम्मे की नमाज होती है, वो पढ़ने नहीं जाते थे, तो वो बड़ा वो बड़ी जंग हुई घर के अंदर। उसके बाद जो है ना मैंने ये गाना लिखा जो मैं सुना रहा हूँ अभी, और जो है वो इतने दिल से शायद लिखा था कि वो बहुत सारे लोगों को लग गया।
और लास्ट ईयर पापा का देहांत हुआ, मैं जब भी ये गाना, उसके बाद वही सबसे ज्यादा ये गाना सुनते थे और कहते थे यार तू सही था यार, तू सही बात सही कर रहा था। मैंने जब लिखना 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 मैंने जब लिखना सीखा मैंने जब लिखना सीखा मैंने जब लिखना सीखा था मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था तेरा नाम लिखा से झुका भी तेरे आगे मैं ना फैलाया हाथ कहीं
सुना था अल्लाह ही देगा मौला ही देगा तो मांग भी तुझसे झुक भी तेरे आगे ना फैलाया तू कहीं अब ये जग कहे है तू है अकेला तेरा ना ही कोई अब ये जग कहे है तू है अकेला तेरा ना ही कोई क्या ये सच है मेरा भरी दुनिया में कोई वाली नहीं क्या ये सच है मेरा भरी दुनिया में कोई वाली नहीं अगर तू है सच्चा साईं तो आ जा फिर मुझे मिल जा मुझे रंग ले अपने रंग में प्यार बन जा तू अगर तू है सच्चा साईं तो आ जा फिर मुझे मिल जा मुझे रंग ले अपने रंग में प्यार बन जा तू भागे जग ये पीछे जिसके रे वो कैसा रसता है भागे जग ये पीछे जिसके रे वो कैसा रसता है मुझे तो तूने दिखाया दोस्त जो बस हक वो लगता है मुझे तो तूने दिखाया दोस्त जो बस हक वो लगता है अब जो दिल कहेगा वही सुनूंगा वही करूंगा क्योंकि पता है यहाँ पे रहता है यार मेरे अब जो दिल कहेगा वही करूंगा क्योंकि पता है यहाँ पे रहता है यार मेरे सुना था अल्लाह ही देगा मौला ही देगा तो मांगा भी तुझसे झुका भी तेरे आगे मैं ना फैलाया हाँ
बात कहीं। बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारा है सीरियसली। हाँ मतलब मैंने दो चीजें नोट, मतलब हाँ मैं कॉम्पोजिशन सुनना तो दैवत कोमल हो जाता है एक जगह पे, और फिर और देश मिक्सोलिडियन फ्लैट 6 में घुस जाता है वो चारुकेशी में। मुझे फिर से जो है ना वो पापा याद आ गए, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो बड़ा बहुत मेरे लिए जो वो था, मैं यूं था कि यार मेरा बिलीफ ही मेरे पास एक चीज जो बड़ी वो थी, और मेरा बाप मेरे से वो भी ले गया। बाद में तो खैर बहुत कुछ सही हो गया और बहुत हमारी डिबेट हुई, बहुत कुछ अच्छा हो गया, यू नो उनकी डेथ से पहले बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन वो जो मोमेंट था वो बहुत वो था। और जिसमें मैंने लिखा था कि भाई हमने तो सुना था कि अल्लाह ही देगा, तो हमने तो तेरे ही आगे हाथ फैलाया था, अब हमें नहीं पता था कि तू मस्जिद जाके मिलेगा या तू जो मंदिर जा रहा है उसको तू नहीं मिलता क्या। हम इस तरह बात करना शुरू हो गए, तो मैं अपनी बहन से करता था इस तरह बात कि बेटा अगर तुम हिंदू के घर में पैदा होती तो तुम जो ना पार्वती होती, बीना नहीं होती। तो वो फिर कहती थी क्या बातें कर रहे हो, मैं कहता तुम सोचो अभी अगर तुम अभी हिंदू के घर में होती तो तुम क्या सोच रही होती, इस वक्त तुम्हारी क्या थॉट होती, तुम्हारे लिए वो ही सही होता ना जैसे तुम्हारे लिए यही सही है अभी। तो ये थॉट प्रोसेस जो है, आई एम ग्लैड कि मुझे कुछ दोस्त भी मिले जब 2009 का मैं जो बता रहा हूँ इंडिया टूर, वो बहुत इम्पोर्टेंट था जिसमें बहुत सारे शेल्स ब्रेक हुए, बल्कि एक दो दोस्त तो ऐसे हैं जो अभी भी, एक दोस्त तो बल्कि अब जो है वो माशाल्लाह से बड़ा इज मेकिंग इट बिग इन बॉलीवुड, वो सेक्रेट गेम्स में भी आए, जतिन सरना, बड़ा कमाल काम कर रहा है इंडिया के अंदर। और जो है उसने जो ना मेरी पूरी थॉट प्रोसेस को हिला दिया था जतिन ने, कि मैं जो है वो मेरी, मैं जैसे ही हम लोग मिले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली के अंदर, वहां पर परफॉर्म कर रहे थे, तो बाहर निकले तो ये जतिन वगैरह मिल गए, उस वक्त तो जाहिर है सारे यंगस्टर्स थे हम लोग सारे, तो मेरी चप्पल टूट गई, तो उसने मेरी बगल में चप्पल दबा ली, उसने मुझे अपनी चप्पल दे दी। तो मैंने उसको कहा यार ऐसे नहीं कर, तू मुझे दे दे चप्पल मेरी वापस, तू अपनी पहले चप्पल में नंगे पैर भी चल लूंगा। उसने कहा यार तू नाम जलील करेगा मेरा पाकिस्तान जाके कि मेरे ऐसे, अभी चल। तो वो पैदल चला हमारे साथ, अभी तक मैं उसको फोन करता हूँ बोलता तुझे याद है। I mean, इतनी सारी यादें हैं, और जब भी मैं वक्त कम है मुझे जाना है थोड़ी देर के अंदर, मैं कोशिश करूंगा एक कोई छोटी सी चीज और सुना दूं, लेकिन जो है वो इतना सारा कुछ प्यार है कि जब मैं इंग्लैंड बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करता हूँ, काम बहुत कर रहा हूँ ब्रिटिश काउंसिल के साथ, और जब वो मुझसे पूछते हैं कि हम कॉन्सर्ट बजाते हैं तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ एज अ साउथ एशियन आर्टिस्ट, तो वो बाद में मुझसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान में, कहता हूँ अभी आप जो भी कह लो है तो एक ही, अभी दीवार खिंच गई हम क्या करें, मजबूरी है, लेकिन बड़ा तलब रहे। और कविश आपको तो बड़ा तंग करने लगा हूँ मैं, यकीन नहीं भाई तंग नहीं बोलते। मैं एक थोड़ी सी चीज सुनाता हूँ, एक मुझे जो गाया हुआ है किसी का कलाम लेकिन मुझे बड़ा पसंद है, मैं इसे सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो मैं खुद हाफिज कहूंगा आप लोगों का।
बोले पपीहा मोर पपीहा मो मो बोले मोर बोले पपीहा बोले मोर बोले पपीहा बोले कोयलिया बोले बोले मोर बोले पपीहा बोले कोयलिया बोले मुझ बिरहन का जियारा बोले बोले पपीहा बोले मुझ बिरहन का जियारा डोले काले बादल बरस गए काले बादल बरस गए आजा पलम परदेसी नैना मोरे नैना मोरे तरस गए आजा पलम परदेसी बहुत पसंद है यार, बहुत बहुत पसंद है गाना ये सिंध बैरवी में नैना मोरे, आई थिंक जावेद बशीर और उन्होंने कोक स्टूडियो में गाया था, जावेद भाई ने गाया था बिल्कुल। संगी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जावेद भाई, बहुत जबरदस्त गाना है, शुक्रिया भाई। और गिटार पे बहुत अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया, मजेदार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। और आई एम ग्लैड आई मेड इट यार, पिछली कितनी सारी जो है वो अंताक्षरी और सारी मिस हो रही थी, लेकिन जो है मेरे भी सारे दोस्त आके बैठे हुए हैं सारे, और वो सारे जो है मुझे हम काफी अरसे बाद आज बैठे, लेकिन मैंने कहा मुझे आज जाना है, मेरा दिल तड़प रहा था, हिंदुस्तान नहीं आ सक रहा हूँ यार, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि अभी मेरे पे क्या गुजरती है। मैं हर साल जो है ना तो कहता हूँ कि यार ये बस किसी तरह चला जाऊं, कुछ हो जाए, लेकिन बस आप लोगों से मिल लिए हिंदुस्तान आ गया, हिंदुस्तान से मिल लिए, कमाल हो गया। जल्द मिलेंगे, मैं जो है जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। और जो है कबीश, आप तो आपको तो यहाँ पर खींच के लाऊंगा मैं, कुछ हो जाए मुझे, ये मेरा तो खींच के लाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि देखो यार ये भी एक कमाल चीज, तो साथ में करेंगे जबरदस्त, बिल्कुल करेंगे। और आपकी जो है मैं अभी जो है वो इंशाल्लाह जो है जल्दी हमारी आर्ट्स काउंसिल के अंदर म्यूजिक एकेडमी भी होती है, तो मैं ऑनलाइन वर्कशॉप तो आपकी लाजमी प्लान करूंगा, यू नो आप थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, बच्चों जो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको देख के बड़े इंस्पायर होंगे, आपने इंस्ट्रूमेंट भी क्राफ्ट किया है और सारा किया, वो हम जरूर करेंगे। और श्रेय से मैं आपका आपको अगर इजाजत देंगे तो हमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेके आपको जो है वो कनेक्ट करूंगा, ताकि म्यूजिक हमें बनाना चाहिए और साथ बड़ा आपका रूदार म्यूजिक है वो हम साथ बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल श्रेया, बहुत शुक्रिया यार मुझे इस ये इसका हिस्सा बनाने का, बहुत शुक्रिया। I am so happy, seriously, I am so happy कि मेरे ये कहे बिना आप दोनों लोग ये बात कर रहे हो कि हम मिलेंगे, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दिस इज सच अ, I mean, I would say I am so proud of myself. नहीं नहीं ये तो होना है, ये तो दिस इज बाउंड टू हैपन, ये होता ही है कि जब जो है रब्बे कायनात जो हैं जो वो रूहों को तखलीक देते हैं, ये मेरा ऐसा मेरा अपना बिलीफ है कि जब वो रूहों को तखलीक देते हैं तो वो जो है जो अपने नूर में से अल्लाह ताला जो है वो रूह फूंकते हैं लोगों के अंदर, तो उन्हीं का नूर है ना सबके अंदर, तो वो
किसी किसी के अंदर सेम नूर भी एक्टिवेट हो जाता है. तो कविश के अंदर मेरे अंदर सेम नूर एक्टिवेट हुआ हुआ है. इट्स द सेम एनर्जी जिसके जिसको हम जो हमारे अंदर प्रवेश हुई हुई है. मैं हिंदी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से, बोलता रहता हूँ. हाँ वो कर रहा हूँ, वो करके रहूंगा, करके हाँ करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा भाई. ऐसी बात नहीं, हार नहीं मानने वाला. तो बहुत जल्दी से जो है वो इंडिया में आप प्रवेश कर सके फिर जल्दी. इंडिया में प्रवेश कर देंगे आप, जल्दी करेंगे. अभी ये सब सही होने वाला है, ये तो हमारा मानना है सब सही होने वाला है इंशाल्लाह. तो अपना बहुत ख्याल रखें, मैं इजाजत चाहूंगा. और सबका बहुत शुक्रिया. और सब प्लीज जो है ना वो कनेक्ट करें. मैं ग्रुप के ऊपर भी अपनी चीजें भेजता रहूंगा. कविश को तो बहुत तंग करने वाला हूँ. शुक्रिया. Thank you so much, Ehsan. Seriously, I mean, on a very serious note, thank you so much for being here. I understand you have a very hectic schedule, बहुत busy रहते हो, सारी चीजें हो. Speech में भी हम लोग कभी-कभी बीच में बात कर लेते हैं. But then still, यहाँ पे जब आप आए हो और इतना सारा आप अपना experience share कर रहे हो, आप अपनी understanding of music, understanding of life, understanding of you know society and how do you do the creative resistance through your work. That's amazing. Thank you so much for sharing that with us. And same for Kavish also. Kavish, agar aapke paas agar aur time ho to kuch aur farmaishein hain. Waise to ye session 10 minute mein khatam ho raha hai. 10 minute se kam hi reh gaya hai. Lekin agar aapke paas time hai to kuch aur farmaishein bhi hum wo bhi sunenge. But usse pehle let us say goodbye and thank you so much and heartfelt gratitude to Ehsan. Ehsan, is call ke is session ke baad I will connect with you for sure. हाँ हम बातें करेंगे जरूर. मैं कविश के आपका कांटेक्ट लूंगा कविश से. कविश का थैंक यू सो मच एसन. आई लव यू सो मच. बाय बाय. आई लव यू टू एंड आई लव यू कविश. थैंक यू ब्रदर. थैंक्स थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस मैन. कांग्रेचुलेशंस एसन. कीप अप द गुड वर्क. हां एनी बार. थैंक यू सो मच. प्लेजर सीइंग यू टुडे मींस अ लॉट. और को भी कोई और अगर कुछ शेयर करने हो अपने थॉट्स एसन के साथ जल्दी से तो हम ये कर सकते हैं. किसी और को कुछ अगर कहना हो कविश को या फिर एसन को कुछ अपने थॉट्स शेयर करने हो प्लीज फील फ्री. अगर नहीं तो हम इट वाज नाइस कविश सर और एसन बारी. एसन बारी से मेरी मुलाकात होगी सर क्योंकि सब समझे के साथ मेरी मुलाकात 2-3 दफा हुई है इस्लामाबाद में. शायद आप भाई मेरा हुई है. हाँ जरूर जरूर उनसे तो बहुत दफा मुलाकात हुई है क्योंकि हमारे 2-3 इवेंट्स में आ चुके हैं. और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जरूर होगी उनके साथ तो जरूर आप आएंगे. तो बाकी हमारी कराची में इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह. कविश सर भी आपने बहुत उम्दा मतलब जैसे आपने वो रिदम का एक जो आपने अपना बनाया हुआ है वो जैसे ही आपने वो उस पर फेरा ना तो रूह जैसे कांपने लगती है ना वैसे रियली मैंने बहुत अरसे बाद मतलब की म्यूजिक सुना है तो इट वॉज नाइस ग्रेट. थैंक यू फॉर ऑल. थैंक यू स्पेशली मैम श्रेया ने जो अरेंज किया है वो बहुत कमाल है. श्रेया कमाल एनर्जी भी श्रेया ने बहुत काम करना है इंशाल्लाह. श्योर बिल्कुल बिल्कुल. आप सभी लोग यू गॉट टू बी द म्यूजिक क्यूपिड. यस इजाजत चाहूंगा मैं सब दोस्तों से. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एसन. बाय बाय. गुड नाइट. बाय. गुड नाइट एसन. ऑलराइट वी आर बैक टू कविश नाउ. कौन कौन अपनी फरमाइशें सुनाना चाहता है सुनना चाहता है कविश से. कविश तुम्हारे पास टाइम है या नहीं पहले ये बताओ. मैं वक्त ही है यार और क्या है अभी खाली बैठे हैं. और तुम्हें जो भूतों की कहानी सुनानी थी उसका क्या हुआ. अरे यार मजा आ जाएगा. हो गया यार उसका वो रह गया यार. मैंने उनको बोला कि आज तुमने जब बोला ना 2:30-3 बजे का मैंने बोला छोड़ो आज छोड़ दो तुम लोग. हाँ देखो 1 तो बज ही रहा है अभी. वैसे भी देख मैं अकेला हूँ घर पे मेरी बैंड बज जाएगी. भूत की कहानियां अगर कहूंगा ना भूत की कहानियां अभी हम नहीं सुन रहे हैं. भूत की कहानियां बिल्कुल नहीं सुन रहे अभी. फरमाइशें हैं किसी की. आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस. नहीं नहीं मतलब रात के 12 बजे हमने सोचा था लास्ट ईयर कि कुछ भूत की कहानियां होनी चाहिए मतलब 12 बजे तो तब से वो शुरू हुआ था. तो मतलब आज कुछ लोग बैठने वाले थे भोपाली लोग हम लोग करने क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने भोपाल लोग के साथ किया था तो आज सोचा वही गैंग ने सोचा था कि करेंगे तो मैंने मना कर दिया था. अच्छा कविश मधु की मधु जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी एक फरमाइश है वो आपसे गलत सलत सुनना चाहते हैं. गलत सलत. हाँ ठीक है. कितना टाइम है.
उस तुम्हारी इसमें इसको एंड करके फिर से शुरू करते हैं, इसको एंड कर देते हैं बिकॉज़ 1 मिनट ही रह गया है इसे। ओके ओके, तो वापस हम लोग उसी लिंक पे क्लिक करके वापस इस सेशन में। थैंक यू सो मच। शे आ गई। ओके गलत चलत ना, गलत चलत। ओके जवाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत। सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत। न तुम सही ना हम सही, न खुशी सही ना गम सही, ना तुम सही ना हम सही, न खुशी सही ना गम सही, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत। जो तीर बेसबब बहा, जो नीर बेसबब उठी, जो अहले अमन की दिलों में पीर बेसबब। कहीं पे कुछ बड़ा नहीं, कहीं पे कुछ घटा नहीं, यहाँ पे मीर बेसबब, यहाँ कबीर बेसबब। न जाने क्या लिखा गया, न जाने क्या पढ़ा गया, जहाँ में यारों मन की किताब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत। शाम चुप, आवाम चुप, निजाम चुप, गमों पे बेगमात के है शाह चुप, गुलाम चुप। है दौरे पे हंसी कोई, जुबान खोलता नहीं, न जाने कैसा शोर है, रहीम चुप, है राम चुप। तमाम सिद्ध फिजूल की, चली ना एक शूल की, रखे बागबान में गुलाम सब गलत सलत, हुजूर।
को ना और कर भी सकते क्या, मगर तेरे निसार में कभी तो कुछ जरूर है, कभी तो कुछ जरूर है। सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, न तुम सही न हम सही, न खुशी सही न गम सही, न तुम सही न हम सही, न खुशी सही न गम सही, सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, सब गलत सलत, जनाब सब गलत। अरे क्या मेरा एक्चुअली ना गिटार, मेरा वाला गिटार गया हुआ है, स्पेयर गिटार है मेरे पास, वो बहुत जंगली गिटार है। मेरी बैंड बजा देता है। ओह बट ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। आजादी रात के, सॉरी नहीं आजाद, हाँ आजाद, हाँ वो बहुत पसंद है मुझे। मधु जो है वो ये खुद से आ नहीं पा रहे हैं, उनका वीडियो नहीं चल रहा है, माइक भी नहीं चल रहा है, बट उन्होंने मुझे भेजा है कि मैम प्लीज टेल हिम दैट इट वाज सो अमेजिंग एंड द रीजन आई लाइक दिस सॉन्ग इज स्पेसिफिकली बिकॉज द वे इट इज सो मच रेलेवेंट इन टुडेज टाइम, द करंट सर्कमस्टेंसेस। सो यस, थैंक यू सो मच कविश। हम 2014 से गा रहे हैं। तो ये गाना है नहीं है आजाद। तो ये मैंने 3 साल पहले शायद लिखा था। और हाँ एक ना एक हाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैं सिर्फ परफॉर्मेटिव ज़्यादा ये मतलब आज़ाद करने से पहले अगर कोई आज़ादी का बहुत अच्छा डेफिनेशन शेयर कर सकता है यहाँ पे तो मज़ा आएगा। मतलब मैं जस्ट वन टू ऑल से बढ़िया हम थोड़ा और इन्वॉल्व भी हो सकते हैं अगर किसी का मूड हुआ तो। आज़ादी और आज़ाद होना
इसके अलग अलग मतलब हम सब रखते हैं वो, और जैसे हर शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं हर किसी के लिए, उसी तरीके से आज़ादी का तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि अगर किसी के कोई मतलब शेयर करना चाहे तो अच्छा रहेगा। फिर मैं गाना सुनाता हूँ। तो मतलब आपके लिए आज़ादी क्या होती है? मैं अगर शेयर करूं, मेरे लिए आज़ादी तो ये होगा कि अगर मैं अपने डिसीजंस खुद से ले सकूं, भले ही वो सही हो या गलत हो, लेकिन जो भी डिसीजन अगर अपने लाइफ के वो मैं खुद से ले सकूं, तो वो आज़ादी है मेरे लिए। कोई और शेयर करना चाहेगा? नॉमिनेट कर स्कूल स्कूल याद आ गई नॉमिनेट करो। सो इफ आई हैव टू से इंडिपेंडेंस फॉर मी इज डेफिनेटली द एबिलिटी टू डू व्हाट आई वांट टू डू विदाउट, अब मुझे हिंदी आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं बात नहीं कर पाऊंगी ज्यादा हिंदी में। So ability to do what I want to do, like Shreya said, and the fact that I mean, based on the decisions which I have taken, I think for me, living alone is one very major aspect of independence, and that gives me the ability to do more. About the decisions, I don't regret anything at all. So I think that comes from a place where I was given the freedom to choose and decide things accordingly. और कोई चीज regret ना करना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं नहीं मिली हूँ किसी से जो जिस इंसान के life में regrets नहीं है। So you understand where I'm coming from. बहुत ही अलग डेफिनेशंस मिल रहे हैं मुझे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग। थैंक्स, ये तो बहुत ही, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कंट्रीब्यूट करेगा मेरे दिमाग में। खैर, और कोई है किसी के पास कुछ शेयर करना चाहे? फैसले वाली बात तो बहुत ही बढ़िया थी। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सारी आज़ादी की डेफिनेशंस बहुत सही हैं। तो मैं इसको अक्सर सात लफ्ज को बहुत ज़्यादा वजन देता हूँ। जैसे एक बहुत अच्छी बात रखी थी किसी ने कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस में एक फर्क होता है। उस पर थोड़ा गौर कर सकते हैं अपन। और मैं जिस बात को कह रहा था कि वो था कि मान लो आपको कोई काम करने की आज़ादी नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे नहीं दे सकता है ना। मतलब यानी कुछ सत्ता है उसके पास जिससे वो दबा रहा है आपको, किसी भी किस्म की सत्ता है। तो मतलब घर में फादर हो जाता है, कोई भी पैट्रियार्कल हो गया या कुछ भी हो गया, स्कूल कॉलेज में टीचर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, तो हम वो आज़ादी कैसे पाते हैं? तो अक्सर आज़ादी को संघर्ष से जोड़ा जाता है कि संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मतलब जैसे घर छोड़ के चले जाना और अपने फैसले कर पाना एक तरीके की आज़ादी है और एक तरीके की नहीं भी है। अब आपने अभी तक आज़ादी नहीं पाई है अपने
घर वालों से कि आप अपने अपने काम कर सके, मगर आपने वो रिश्ता छोड़ दिया और खुद को सक्षम बना लिया कि आप अपने चीज कर सके। तो आजादी संघर्ष और संवाद करके एक साथ कमाने से बनती है, मुझे ऐसा लगता है। संवाद का अर्थ होता ही है कि कॉमन ग्राउंड बनाना, मतलब वाद बातचीत होती है, वाद से विवाद और संवाद भी हो सकता है। तो संवाद होता है जब आप कन्वर्स कर पाते हैं, मगर आप कन्वर्स करके एक मतलब एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, मतलब साथ कमा सकते हैं। तो जैसे भी अंग्रेज छोड़ के गए, भारत ने अंग्रेजों को हरा दिया, ऐसे नहीं तो अंग्रेज मान गए कि आप इंडिपेंडेंट हैं, तब जाके ही तो वो ही होना, लड़ाई चलती रहती। तो दोनों जब समझ बना लेते हैं एक साथ और साथ बना लेते हैं, तब एक तरीके की आज़ादी बनती है। तो साथ कमाना आज़ाद होना हो जाता है, और हर रिश्ते में की आज़ादी होती है, हर रिश्ते में आज़ादी होती है, ऐसा है। तो जस्ट बिकॉज आप अपने डिसीजंस ले पा रहे हैं, तो आप यू फ्री टू डू इन दिस एनवायरनमेंट, बट यू स्टिल नॉट फ्री इन दैट रिलेशनशिप ऑफ यू एंड somebody who was oppressing you. तो जो बात मतलब कि मैं अंदर चलिए, खैर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैं मोनोलॉग भी नहीं रखना चाह रहा था, पर हाँ आज़ादी एक साथ का माना होता है जहाँ पे आपको आप एक नई समझ बना के अपनी चीज़ें कर सकें, ये भी है एक पहलू। एकदम से म्यूजिक से शुरू हो जाऊंगा तो मोनोलॉग लगेगा, किसी को असहमति है तो प्लीज कुछ बात हो तो शेयर कर दे, तो मजा आएगा। I agree to what you said about साथ, that there should be that trust which allows you and the other party. In my case, it's my parents, so I could relate to it because you know I am a single child, and what happened with me was I had to build that trust given the circumstances to live alone and do things the way I wanted to, and I still have that. Like mere ghar pe koi shaadi wadi ki baat nahi karta hai, nobody talks about all of these things, and you know that kind of setup where I'm able to do certain things, and it's all because of the trust we could build. And I think I would, I mean, that takes a lot of understanding as well, right? To have that ability to do what you want. I mean, I have had a very difficult career trajectory given, I mean, I won't go there, but I think I would agree to the fact that wo saath aur wo jo aapne kaha, wo kafi, kafi sahi laga. And now that I'm thinking about how things have rolled, I could see how that happened. Yeah. Mm. Cool. मैं शुरू करूँ या श्रेया कोई बात है? Then. हाँ मैं नहीं, बस मैं तुम दोनों को ही सुन रही थी तो मुझे ये लगा कि शायद जितना मैं अब समझ पा रही हूँ या मैं अब इसको और ज्यादा सोचती हूँ तो लगता है कि मैं अगर पर्सनल लाइफ में देखूँ तो शायद आज़ादी मेरे लिए है, ऑफ कोर्स डिसीजन तो है ही है कि मैं ले सकूँ अपने डिसीजंस, बट उसके साथ साथ आज़ादी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज विद इन मी एंड विदाउट मी। तो मेरे अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है अगर मैं उससे आज़ाद हो जाऊँ, जिसके लिए शायद मैं खुद ही काम कर सकती हूँ, और जो कॉन्फ्लिक्ट जो मेरे एनवायरनमेंट में है जिसकी वजह से आई कैन नॉट बी आज़ाद कम्प्लीटली, क्योंकि वो मैं भले ही अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लूँ, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो एनवायरनमेंट वो वही रहेगा, वो वैसे ही रहेगा। द मोमेंट आई कम बैक टू दैट एनवायरनमेंट, दैट कॉन्फ्लिक्ट आल्सो कम्स अलोंग विद दैट, अनटिल एंड अनलेस रिजॉल्व मैं उसको नहीं कर पाऊँ। ऑफ कोर्स आई आल्सो बिलीव ये पाक बंधु का मेन एजेंडा ही यही है कि
रेजोल्यूशन का सबसे पहला स्टेप इज डायलॉग, इज कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन. तो यस, इट ऑल कनेक्ट्स एंड इट ऑल मेक्स सेंस टू मी दैट यू नो. और ये मैं भले ही वो सिचुएशन चेंज हो जाए या लोग हमारे साथ रहे या ना रहे, पर मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि यू लूज पीपल इन योर लाइफ बट दैट कॉन्फ्लिक्ट स्टिल रिमेन्स इन योर माइंड, दैट कॉन्फ्लिक्ट स्टिल रिमेन्स इन द मेमोरीज ऑफ दोज पीपल यू हैव लॉस्ट. तो उस कॉन्फ्लिक्ट से आजाद होना भी बहुत मुझे लगता है कि दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, टेक्स टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ करेज. या embracing it takes a lot of courage, and I think that also comes from I don't know if time heals or whatever, but it definitely takes a lot of courage. I have been there and I can totally relate to what you are saying. Exactly, because jab tak hum shayad un cheezon ko ya un conflicts ko resolve nahi kar payenge, hum puri tarike se hum azad nahi ho sakte. Hamare decisions bhi kahin na kahin un cheezon se influence hoti rahegi. मान लीजिए आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं किसी से, अब आप बोलते हैं कि भैया चलो बातचीत करते हैं और सुलझाते हैं, लेकिन दूसरा बंदा बात ही नहीं करना चाहता आपसे, और वो कॉन्फ्लिक्ट उस पावर के वजह से, सत्ता के वजह से वो जमाए रखेगा और कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. यहाँ पे आती है, इसीलिए संवाद के दो मैंने अंश रियलाइज किए थे. एक संघर्ष होता है जब आप उतनी मतलब कहिए साथ कमाते हैं या सत्ता कमाते हैं कि आपको कुर्सी, मतलब टेबल पे कुर्सी मिले बात करने की. यानी मंत्री ने कोई बिल पास किया आपको पसंद नहीं, आप बोलेंगे मंत्री सुन, मंत्री क्यों सुनेगा, है ना. तो आप सड़क पे साथ कमाते हैं, मतलब थोड़ा सा और आबाद करते हैं उस ख्याल को, तब जाके जब जुलूस निकलता है, जमात इकट्ठा होती है, तब जाके मंत्री सुनता है, क्योंकि सत्ता की बात है सिंपल. तो एक वक्त तो इवन तो एक पार्ट रहता है संघर्ष का, जिसे आप करेज कह रहे हैं, और बेसिकली जान होती है आपकी, जान लगती है पूरी तरीके से, और वो जान कितनी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह तो नहीं लगती ना, आपके जिंदगी में हजारों कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. तो आप कौन से समय में कहाँ जान लगा पाते हैं ये तय करता है कि वो कितनी जल्दी होगा, कितना नहीं होगा. और तभी उसके दो पहलू आते हैं, एक संघर्ष होता है और एक संवाद होता है, जहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत करके आप एक नए कॉमन ग्राउंड को कमा सकते हैं. और पावर इनइक्वालिटीज तो एग्जिस्ट करती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑपरेशन भी एग्जिस्ट करता है. तो जैसे आप ये संवाद करके एक नया कॉमन ग्राउंड बना लेते हैं, तब जाके आप आजाद हो पाते हैं उस रिश्ते में. आपने सिर्फ उस तो ऐसे कही, और उस पहलू में, मतलब उस रिश्ते के पहलू में आप आजाद हो पाते हैं, ऐसा मैंने समझ बनाई है इसको लेकर. और एक और बात है, करेज की बात करी थी, मैं प्रवचन मोड में आ गया हूँ. तो वो थी यार पिछले साल ना, डर बहुत जबरदस्त था जो जिससे रूबरू हुए हम, क्योंकि आप अपनी गिरफ्त में भी होते हैं, है ना. आज जैसे तुम बोले ना कि अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसी तरीके से हम भी अपने आप को गिरफ्तार कर देते हैं. उसी तरीके से जब लॉकडाउन में हम अपने ही रिश्ते में गिरफ्तार हो गए, जब हम ज्यादा रिश्ते नहीं जी सकते. एक दिन में आप बहुत से रिश्ते जीते हो, आप अपना जीते हो, घर वालों का जीते हो, शहर का जीते हो, पड़ोस का जीते हो, सोशल मीडिया का जीते हो, आप वर्क प्लेस का जीते हो, बहुत से रिश्ते जीते हो. और कैसे जीते हो, जब एक रिश्ता जीते हो जब तक कंफर्टेबल होता है, थोड़ी देर तक जान लगाते हो, उसको जी लिया, हंसी ठहाके मार लिए, थोड़ी जान लगा के थोड़ा रिश्ता आगे बढ़ा लिया, थोड़ा जी लिया उस रिश्ते को, और जहां डर आ गया तो वहां से कल्टी मार के दूसरे रिश्ते पे चले जाते हो. और वो ऐसे डर आता कैसे है कि डर से समझ एकदम बंद हो जाता है,
मतलब दिमाग बंद हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम अपने ही रिश्ते में गिरफ्तार हो गए, तो हमें बहुत जल्दी हमारे डर से हम रूबरू हो गए। डर मतलब एक तरीके से हमारी होश के पार है ना, हम नहीं समझ, वहां पे हम कंपित हो जाते हैं डर, मतलब डर वाले पहलू। तो मैं बहुत डर गया था, मतलब बहुत सारे डर सामने आने लगे मेरे, और बॉम्बे में तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, आइसोलेशन में रहते हो दो। तो पहली बार जिंदगी में पैनिक अटैक भी आया, कभी नहीं आया था। तो फिर मैं सोचने लगा डर पे, और फिर मैंने डर को के बारे में सोचने लगा, तो ये देखा था कि कोई बताता नहीं है कि डर से कैसे निजात पाई जाए, निडर होना क्या होता है कोई नहीं बताता है। जंग पे तलवार निकाल के कूद जाना निडरता नहीं होती है, है ना, मतलब कहाँ है जंग और कहाँ, यहाँ पे तो हम ही हैं जंग का मैदान। तो धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि करेज की जो हम बात कहते हैं, डर की समझ बनाना डर कम करना होता है, क्योंकि डर वही होता है जहाँ जिसकी समझ नहीं होती। और समझ कैसे बनाते हो, जान लगा के, और जान तो आपकी है नहीं, है तो जान तो आपको मिली गई है, मतलब जान से आप हुए हैं, जान आपको मिली भी नहीं है। तो जान कैसे लगाते हो, जी और जान ध्यान करके। तो ध्यान कैसे लगाते हैं, ध्यान करके, तो मतलब उस चीज को पकड़ के, मतलब जहां पे आप कंपित हो रहे उसकी समझ बना के आप निडर हो पाते हैं थोड़ा, और ऐसे 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 कर करके आप और निडर होते रहते हैं। मैं अपना प्रवचन बंद करता हूँ, लग रहा है कि दिस इज नॉट व्हाट यू हैड सब्सक्राइब्ड फॉर, बट यू नॉट गेट इट। नाइस कन्वर्सेशन बिफोर द सॉन्ग। Nobody has these conversations on a Saturday evening, so it's wonderful. जब हम, आप कहते ना डर, बेसिकली डर का ये होता है कि हम उस चीज को बैक एंड पे देखना नहीं चाहते होते कि हमारा डर जो है वो किस चीज के लिए है। हम उस चीज से डर रहे होते हैं कि हम उसको देख नहीं पाते। मतलब मिसाल के मुझे कुछ चीज से डर लग रहा होता है तो मैं उसकी जांच नहीं करता, मैं उसके बैक एंड पे डिडंट गो द रूट कैनाल जैसे हम कहते हैं ना, उसके बैक एंड पे नहीं जाता कहाँ से हुआ, क्योंकि हमें पहले ही डर लग रहा होता है तो मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। तो डेट्स वाई मेरे ख्याल से हमारी जो वीकनेसेस रहती हैं डर के लिए, और हम उस चीज़ से आज़ाद नहीं होना चाहते, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है पब्लिक डीलिंग के साथ, मेरा इंटरेक्शन शायद थोड़ा सा कम हो सकता है, तो इस बेसिस पे हम चीज़ों को हम ओवरकम नहीं कर पाते आई थिंक सो। तो हम जब डर को ले रहे होते हैं तो बस हम डरते ही डरते 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 उस चीज को आगे जिंदगी को चलाते ही नहीं है, उस डर की खातिर हम वहीं स्टक हो जाते हैं। तो उससे निकलने के यही होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, बेशक आपकी एनवायरनमेंट, जैसे मिस शेजा ने बताया कि समटाइम ये होता है कि हम चीजों से निकलना, मगर हमें सोसाइटी इजाजत नहीं देती, एनवायरनमेंट, मगर वो समटाइम हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि वो मेरे लिए पॉजिटिव हो सकता है, शायद सोसाइटी के लिए वो नेगेटिव हो। तो हमें दोनों को साथ पैरेलल चलाना पड़ता है जिंदगी को। हम आज़ाद भी होना चाहते हैं, आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमारी लिमिटेशंस में आती हैं, बेशक आप उसको रिलीजियस के तौर पर पकड़ें, आप सोसाइटी के तौर पर पकड़ें, आप एनवायरनमेंट के तौर पर पकड़ें, वो चीज़ हमें बाउंड कर रही है, वो शायद हमारे लिए फायदेमंद हो, मगर हम उसको सोच नहीं पाते, क्योंकि हम यंगस्टर से हम देखते हैं यार वो फलाना तो ये कर रहा है, हाउ आई डू, तो वो हम उस पे चलते आ रही है जिंदगी हमारी, बेसिकली वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। जब हम रियलाइज करेंगे चाहे तो आगे हमारी जैसे एज बढ़ती जाएगी या वक्त में दोबारा वो हमारा एक पहलू हमारे सामने आएगा, तो शायद उस टाइम हम रियलाइज कर पाए कि यार ये जो मैंने नहीं किया था डर की वजह से आज मुझे वो फायदा दे रहा है। और कुछ चीजें हमारे लिए वो ऑब्वियसली है कि कुछ चीजें ऐसी होती है डर की खातिर हमारी आज निकल जाती है, वो कल तक हमें पकड़ में नहीं आती, हम उसको जांच में और उसके पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम चलते जा रहे हैं जिंदगी। मेरे ख्याल से आजाद होना ये हमारे लिए हाथ में होता है, हम किस तरह आज़ाद होना चाहते हैं, और उसके दोनों किस्म है, जैसे केविश भाई ने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको खौफ में
जी रहे होते हैं, और जैसे आपने बताया मुझसे यार कि एनवायरनमेंट दोनों चीजें आपके साथ चल रही हैं, आई कम ही फोकस हूं इस यस लास्ट में मतलब हां अब्दुल जी लास्ट के आपके कुछ सेंटेंसेस हम सुन नहीं पाए, बट हां मोटा-मोटा हमें समझ में आया, और ये भी एक मतलब एक पर्सपेक्टिव है ऑफ कोर्स, मतलब इसके साथ साथ बहुत सी और चीजों पर अगर हम सोचना चाहें कि जब हम फायदे की बात करते हैं तो हम फायदे को किस तरह से डिफाइन करते हैं, और यू नो बहुत सारी चीजें इसमें और आ जाती हैं, तो आई थिंक वो एक इंडिविजुअल लेवल पर भी हम ये एक इस जर्नी पर जा सकते हैं विद इन आवरसेल्व्स, एंड यू नो ये भी है अलग से. हाँ नहीं वो तो ऑब्वियसली है, वो हम कुछ चीजों को हम सिर्फ डर की वजह से फायदे वाली चीजें जो हमारे कनेक्टेड होती हैं जिंदगी के साथ वो हम छोड़ देते हैं सिर्फ डर की खाते, और हम आजाद होना नहीं चाहते उन चीजों से, हम कहते नहीं यार ये पहले हो जाए देन आगे आगे ये कदम मैं उठाऊंगा. तब तक उठाने की वजह से हमारे वो जो पीछे हमारी जो अच्छी चीजें चल रही होती है या वक्त के साथ हमारे वो फायदे के लिए होती है वो हमारी रह जाती हैं, और हम फिर आगे जिंदगी को फिर हम अपनी जिंदगी को ही कहते हैं यार मेरी किस्मत में ये था, मेरी मुझसे ये गलत हो गई, फिर उस शर्म जी को लिपकड़ के हम फिर लेके जा रहे होते हैं जिंदगी के साथ आखिर तक, जब तक हमारी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो नहीं यार ये मुझसे गलत हुआ, ये मुझसे डर नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो फिर हम पकड़ रहे होते हैं. तो वक्त के साथ मैं कहता हूँ कि बस उसको चीजों को छोड़ के आगे चलता जाए, मगर हम कोशिश करें उसके रूट कनाल तक पहुंचने की कि कहाँ से ये चीज क्रिएट हुई है. तो बेसिकली हम नहीं कर सकते क्योंकि जो सोच रहा होता है उसके मन में कुछ और होता है, और जो देख रहा होता है वो ये सजेशन दे सकता है. अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ शायद आपको लगा हो कि यार ये मेरे साथ जो फीलिंग्स हो रही हैं वो अब्दुल कदीर, तो वो इस वजह से हम चीजों को पकड़ रहे होते हैं. अब मैं अगर कोई बीमार होता है तो मैं उसको तकलीफ क्या हो रही है वो तो उसको पता होगा कि वो डर रहा है या बुखार में है या किसी चीज में, अब्दुल कदीर को नहीं पता. इस वजह से हम चीजों को करके ना कोशिश करनी चाहिए, बींग हम अगर सोसाइटी में अच्छे सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी कम्युनिटी अच्छी है, हमारी सर्किल में और सारी चीजों को हम आगे उनको कोशिश करें लाइन में जोड़ के और उनके साथ सॉल्यूशन करके हम आगे जिंदगी को लेते जाएं, तो मेरे ख्याल से हमारी फ्रीडम भी उसमें आ जाएगी, डर भी खत्म हो सकता है, दोनों चीजें कंटिन्यू हो सकती हैं. So I just ended with one thing which I have always felt that it is not important to be strong. I have, I think, said this before also. It is not important to be strong, but to feel strong. Yeah, advice mujhe mere school ke boyfriend ne di thi, and I still remember it. I still practice it. I mean, it was just a line he would have said in a conversation. But that sabko lagta hai, mujhe bhi lagta hai. But matlab when I thought about the number of fears I had, they're very less. And I think that is because I don't consider them as fears, because I feel strong, and it is important to feel strong rather than being strong. It's like you pretend that you are strong and you get that, you know, energy and courage to do things. Yeah. Did I make any sense? कि उसको pain करना चाहिए बजाय कि उसको मैं उसको आगे लेके जाऊं, तो मगर वो आपने कहा कि उसको फील भी करना है ना कि कैसे है, और देन आगे आप मूव हो जाएं, तो देन एक हर से ऑप्शन हो सकती है. Were you able to hear me? Did I make any sense? Yeah, we could hear you. Yeah. Okay. That makes sense. Yes. Sorry, Sharing. You should play. मुझे नाम से नहीं आते कि कैसे जब आपने रिंग बजाया था ना तो एक साज आया था वो आपका दूसरा वाला जो पहले पियानो से पहले वो पियानो से क्या गिटार से पहले जो आपने एक की थी ना चीज Thank you.
आजाद वाला ये सुन के उसके बाद अगर किसी और को भी कोई फरमाइश है तो वो सुन के फिर आज के लिए फिर खत्म करते हैं. अगेन क्लिक लीव इंस्टेड ऑफ बिकॉज यू स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड आई थिंक ही अगेन क्लिक लीव मीटिंग. या
I'm tempted to call you Shivani because you exactly look my like my cousin. And then I'm trying to say Shreya. Where are you based? You are in Lucknow? I'm in Lucknow, yeah. I have too many friends in Lucknow and I have to come to Lucknow. Where are you from? I was raised in Nagpur. Oh, and then I think he's back. Yeah. Kavish, can you hear us? हाँ आई कैन बस वो निकल गया यार मैं फिर से वैसे ही वही हम बोल रहे थे वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट हम वही बात कर रहे थे मतलब अच्छा खासा कितना कब निकला होगा कुछ पता ही नहीं होगा ना मतलब क्या ही हो सकता है खैर हाँ शायद लास्ट के दो मिनट हम नहीं सुन पाए अरे दो मिनट हाँ डेढ़ मिनट होगा फिर अरे खैर कोई नहीं बस मैं कुछ बजा रहा था ना तो उसमें से कुछ मस्त मतलब कंपोज होता जा रहा था साथ साथ तो मजा आ रहा था तो कुछ कुछ अच्छे आइडियाज बन गए वो बनाते बनाते खैर अच्छा रहा हम आजाद सुनने बैठे थे हाँ हाँ राइट राइट मैं तो बोली है कहाँ से हाँ I was saying कि थोड़ा ब्रेक लेके पानी वानी पी के then we can start पानी साथ में ले लेता हूँ अभी किसी को दिक्कत नहीं है ये बहुत ही कहो क्या लोगों ने दी है ये तो महज इंतजाम है नहीं है आजाद नहीं है आजाद नहीं है आजाद अभी नहीं है आजाद नहीं है आजाद नहीं है आजाद हमसे पूछ के लगाई है
क्या हमने कभी मांगी थी, नहीं है आजाद, नहीं है आजाद, नहीं है आजाद अभी, नहीं है आजाद, नहीं है आजाद, नहीं है आजाद। कविता सुनाऊं बिल्कुल एप्ट इस वक्त के लिए? सुना दो बिल्कुल। हाँ, एक है तोंद, ठीक है? इसलिए याद है क्योंकि भूख लग रही है तो इसलिए मैं सुना रहा हूँ। तो छोटी सी, बहुत छोटी सी कविता है। तो वो ऐसी है कि बड़े हो जाने पर, बड़े हो जाने पर लड़कों का भोलापन गालों से थोड़ा नीचे आके घर कर लेता है, तोंद बन जाता है। जैसे जैसे अपनी इच्छा का ना हुआ हो तो बच्चे मुंह फुला लेते हैं, जैसे अपनी इच्छा का ना हुआ हो तो बच्चे मुंह फुला लेते हैं, उसी तरह बड़े जो समझदार हो चुके हैं बात को चेहरे पे नहीं आने देते, तोंद फुला लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह बड़े जो समझदार हो चुके हैं बात को चेहरे पे नहीं आने देते, तोंद फुला लेते हैं। नादानी है, जाती नहीं, तोंद को भी कब तक छुपा सकते हैं। तोंद अक्सर दिखती है बनियान और शर्ट से झांकते हुए, कभी तो पूरी नग्न अवस्था में बाहर की हवा लेते हुए, अपना रूप समाज को दिखाते हुए कि देख जिस आग को तूने इसकी ख्वाहिशों में नहीं लगने दिया वो अब खाना पचाने में लगी है। देख अपनी क्रूरता,
मैं छुप नहीं सकता, छुपाना चाहो तो भी। तो तुम कितना भी योग आसन जिम कर लो, तुम कितना भी योग आसन जिम कर लो, जब तक अपने मन का नहीं करोगे, मैं साक्षात इसी रूप में मुंह फुलाए समाज में दिखूंगा, घूमूंगा और फूलूंगा। प्रिय तोंद। ये थी आपकी छोटी तोंद की। और जो दूसरी कविता है वो है नींद, क्योंकि रात का समय है, ये दोनों मुझे लगी हैं। तो नींद ऐसी है कि बतेरे रिश्तों से गुजरने के बाद मुझे आज जाकर मेरी सच्ची महबूबा मिली है। वो मेरे साथ कब से थी ये बात भी मुझे आज जाकर पता चली है। मैं जान गया हूं कि मेरी नींद ही मेरी सच्ची महबूबा है। वो रात को आती है, ख्वाब दिखाती है, अक्सर बिस्तर पे ही आती है। उससे नहीं मिले तो पूरा दिन खराब कर जाती है। मशहूर मोहब्बतों की तरह हमारी मोहब्बत भी बदनाम है। ये मशहूर मोहब्बतों की तरह हमारी मोहब्बत भी बदनाम है। लोग कहते हैं जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, उन्हें कौन बताए। इनसे नखरे करें तो जाने मन जान भी ले जाती हैं। ये दबे पांव आती है, चोरी छुपे आती है। मैं कहीं बोर हो रहा हूं अगर तो मुझसे मिलकर चली जाती है। कभी कभार तो शर्मो हया छोड़ दिन दहाड़े आ जाती है। तो कभी कभार तो शर्मो हया छोड़ दिन दहाड़े आ जाती है। सबके सामने पकड़े जाने पर नाक खूब कटवाती है। तो मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है, मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है। मुझे किसी और से इश्क हो जाए तो नींद भी नहीं आती है। ये मुझे किसी और से इश्क हो जाए तो नींद भी नहीं आती है। हमारा रिश्ता मेरे जितना पुराना है, हमारा रिश्ता मेरे जितना पुराना है। सही मायने में तो भाई नींद ही मेरी जीवन साथी है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारी मोहब्बत का सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा। मुझे लगता है कि हमारी मोहब्बत का सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा। हम हर रोज हर रात मिला करेंगे, कभी कभार चोरी छुपे दोपहर में भी मिल लिया करेंगे। और एक दिन जब से कोई दिन ना होगा, और एक दिन जब से कोई दिन ना होगा, जब जीने के लिए और कुछ ना होगा, जब सिर्फ रात ही रात होगी, मैं नींद का पूरी तरह से हो जाऊंगा। तो एक दिन जब से कोई दिन ना होगा, जब जीने के लिए और कुछ ना होगा, जब सिर्फ रात ही रात होगी, मैं नींद का पूरी तरह से हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी नींद ही मेरी सच्ची महबूबा है। ठीक है, बहुत सही चपकाया मैंने, सही सही टाइम। हमारी महबूबाएं भी हमें बुला रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, मतलब मुझे तो भूख लगी जबरदस्त, और पता नहीं मैंने खाना एक्चुअली 7-8 बजे खाया। मैं एक्चुअली सो लेट रहा हूँ एक्चुअली, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो ठीक है यार, फिर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविश अपना इतना लंबा समय देने के लिए, इतनी सारी बातें। यार समय देना तो मेरा कहाँ है, समय मेरा थोड़ी ना है, समय में तो फंस गए हम। ये है तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसी बात कर रहे हो यार। जो हाई रहता है, वही जो हाई रहता था। हाँ, गोवा वाला। अच्छा 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 नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो तो अभी भी बहुत पास बहुत आगे बढ़ चुके हैं यार मुझसे। हाँ यार, खैर मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जिससे मैं गोवा में तुमसे मिला नहीं पाई, तो कल उसका बर्थडे था, तो मैंने उसको हैप्पी बर्थडे भेजा। जब तो उसका रिप्लाई आया, ऊप्स, आई डिडंट इवन रिमेम्बर आई वाज बोर्न एट एनी पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम इनटू दिस फैब्रिकेटेड अनरियलिटी। तो ज्यादा हो गया, अच्छा गया। आई हैड हिम एट फैब्रिकेटेड।
अच्छा ठीक है, तो जैसे मैं, हाँ. एक मतलब एक गजल नहीं लिखी है, वो ऐसी गा के नहीं सुनाता, ऐसी सुना देता हूँ. मैं इसलिए बोल रहा था, मतलब मैंने खैर वहां इसलिए नहीं, बात ये नहीं थी, बात थी कि तुम समय और औपचारिकता में भीगी हुई बातें कर रही थी, तो मुझे बस ये लग रहा था यार, मेरे क्या है ना कि मैं जब से नागपुर से आया हूँ बॉम्बे, सही में मतलब मैं मिलता नहीं हूँ, यहाँ पे मिल ही नहीं पाता लोगों से. एक तो लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला हुआ कि बारिश शुरू हो गई, और फिर ऊपर से बॉम्बे है, बॉम्बे में लोग मिलते ही नहीं है, तो एक के बाद एक के बाद एक. मुझे तो खुशी है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी बैठकों में बैठना और बातें करना. हम हो हैं ही वैसे बतौलेबाज भी हैं हम, तो बातें करने में मजा भी आता है, तो मौके भी ढूंढते ये. और जहां तक अनफैब्रिकेटेड रियलिटी की बात है, वो वो ऐसी है कि बहुत ही जबरदस्त था यार, ये गाना भी बहुत ही अच्छा बना था. मैं ऐसी बैठ चलते घर में ही, मैं बॉम्बे में कहाँ रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, तो मैं मतलब घर ऐसी लॉकडाउन में चल चल के मैंने गाना मतलब गुनगुनाते गुनगुनाते कंपोज हो गया था, एक गजल के रूप में ढल रहा था, अभी भी ढल ही रहा है, लेकिन जितना ढला है उतना सुनाता हूँ. तो ऐसा है कि मैं भी मेरा नहीं तो क्या है मेरा इस जहां में, तो जब मैं भी मेरा नहीं तो क्या है मेरा इस जहां में, साथ की ही बात है न जायदाद कुछ इस जहां में, तो मैं भी मेरा नहीं तो क्या है मेरा इस जहां में, साथ की ही बात है न जायदाद कुछ इस जहां में. सबको ये गुमा है कि जान मिली है उनको, सबको ये गुमा है कि जान मिली है उनको, जान आई पहले फिर आया मैं इस जहां में, तो सबको है गुमा है कि जान मिली है उनको, तो जान आई पहले फिर आया मैं इस जहां में, मैं भी मेरा नहीं तो क्या है मेरा इस जहां में, साथ की ही बात है न जायदाद कुछ इस जहां में. फिर है कि साथ को तो बार बार कमाना पड़ता है, साथ को तो बार बार कमाना पड़ता है वो रिश्ता, है वो रिश्ता कोई जायदाद नहीं इस जहां में, तो साथ को तो बार बार कमाना पड़ता है वो रिश्ता कोई जायदाद नहीं इस जहां में, मैं भी मेरा नहीं तो क्या है मेरा इस जहां में. हम तो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, हम तो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, तो क्या अमीर हुआ क्या गरीब हुआ इस जहां में, मैं भी मेरा नहीं तो क्या है मेरा इस जहां में, साथ की ही बात है ना जायदाद कुछ इस जहां में. अरे इतना ही लिखा है अभी तक. हाँ बहुत सुंदर है ठीक है यार, कि कुछ लोगों को पल्ले पड़ती है और जिनको पढ़ती है उनको बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोगों को नहीं पढ़ती है, मुझे बहुत बुरा लगता है लगता है कि और मेहनत करना. Because it's very deep and not everyone might be in the zone also, not to understand also you need to be at peace. So हाँ रात के 2 बजे तुम ये सब बात करोगे कभी, कहाँ से किसको क्या समझ में आएगा, ये बातें रात की होती हैं. हाँ ना वही तो लगे रहते हैं, मैं बता रहा हूँ इसलिए, और वो भी लेट नाइट की होती है क्योंकि पगले ही हैं जो जागे हुए हैं इस वक्त हैं, तो पगले हैं तो पागलपन की बातें भी होंगी, इसीलिए इस वक्त बहुत सी ऐसी बातें होती हैं. ऐसा तुम तो फिल्म में करो, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी तो साथी ही रात है. सही बात है. चलो बड़ी अच्छी शाम रही, आप सभी लोगों ने वक्त दिया और अभी तक हम बने रहे, रात के 2:05 हो चुके हैं, बहुत ही
अच्छी रही मेरी ये शाम. आज सुबह से मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि क्या मतलब किस तरह से, बिकॉज़ आई फील कि जो भी होस्ट होता है ना उसकी एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करती है किसी भी सेशन में, किसी भी मीटिंग में या किसी भी उसमें. पर हाँ, ये एसन और कविश ने मिलकर सब संभाल लिया. अरे तुम थी तो हम सफल गए. लेकिन मजा आया श्रेया, तुम्हें देख के बड़ा मजा आता है. बहुत नहीं, सही में मैं सही बता रही हूँ कविश, मैं बहुत समय से सोच रही थी कि बिकॉज पाक बंधु है, हम कई सारे एक्टिविटीज कर चुके हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरेक्शंस हो रहे थे, लेकिन आई अंडरस्टैंड म्यूजिक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉमन ग्राउंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बहुत कुछ हो सकता है. और पाक बंधु को, हाँ नहीं सही बात है, मतलब बोलो. 2015 से अब जब ये चल रहा है, इतना कुछ मतलब काफी सालों से चल रहा है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क है, और मुझे लगता है कि इस समय बहुत पोटेंशियल है कि हम लोग साथ में मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, स्पेशली जब टाइम ऐसा है, जब ऑनलाइन और मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन और ऑनलाइन कोलैबोरेशन के अलावा कोई और जरिया नहीं है. वैसे भी इंडिया पाकिस्तान में कोई और ऐसा जरिया था नहीं बीच में, तो बहुत सारी चीजें जो हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी. और मुझे लगता है ये लोगों के स्पिरिट से बहुत रिफ्लेक्ट करेगा. सो वी शुड डू, आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज एसन, देयर आर सो मेनी अदर म्यूजिशियंस एज वेल. बांग्लादेश के भी कुछ म्यूजिशियंस हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, श्रीलंका के कुछ म्यूजिशियंस हैं जिनके साथ एसन ने कोलैबोरेट किया हुआ है. आई थिंक ये जो एक पूरा साउथ एशियन कंट्रीज का साथ में एक अमैलगमेटेड पूरा कुछ निकल के जो आ सकता है, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सही बात है, इस संगीत की सरहदें नहीं होती ना. वैसे तो किसी आर्ट की नहीं होती है. और मतलब एक मुझे एक बलिया के पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात बहुत जबरदस्त कही थी. उन्होंने कहा था कि गीत तो कलाकार गाता है, लोग जब साथ आते हैं संगीत हो जाता है. तो संगीत में तो संग बिना संग के संगीत ही नहीं है. और तो नए नए संग पैदा करता है, नई नई चीजें जिंदा करता है. दो चीजें हैं मुझे जो लगता है. मैं ना लास्ट ईयर हमने एक चीज शुरू करी थी, करी है तो वो ढाई आखर के नाम से. उसमें एक चीज रिकग्नाइज की थी, वो बहुत जबरदस्त चीज है. उसमें ऐसा था कि सांस्कृतिक कल्चरल मीडियम से कैसे समाज में संवैधानिक और निर्गुणी आदर्शों को आबाद किया जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड भक्ति सूफी आंदोलन के वक्त के जो भी मॉरल्स थे उनको कैसे हम पॉपुलेट करें. मैं बात उन मॉरल्स की बात पे नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ इन चीजों पे. मीडियम तो सांस्कृतिक, मतलब अभी कल्चरल मीडियम ही पकड़ा है, मतलब म्यूजिक पकड़ा, पोएट्री पकड़ी, थिएटर एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत अच्छे मीडियम है. लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज रिकग्नाइज हुई थी उस एक्टिविटी में, वो थी रस्म. यानी ऐसी कौन सी रस्म है, क्योंकि रस्म बहुत रेप्लिकेबल होती है. जैसे हर कोई वो एक रस्म को कर सकता है, ठीक है. तो ऐसी कौन सी रस्म है जो हम, क्या पहली बात हम उस मकाम पे हैं कि हम कोई रस्म को कर सकें. और उस रस्म जैसे होता है कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो मैं सुबह 6 बजे उठ के सूर्य नमस्कार करूंगा, ठीक है. मुझे मुझे म्यूजिक करना है तो मैं रियाज करूंगा. किसी को कुछ करना है तो सबकी दिन में कुछ रस्में होती हैं. और रस्म एक पावरफुल एक्टिविटी थी, एक्टिविटी ऑफ पावर होती है जो एक को बढ़ाती है. मतलब एक तरीके से जैसे हम गाना सुनते हैं, हम एक गाना हम 10 दिन तक सुनेंगे 2 महीने, वैसे किसी को रस्म दे दो किसी को या वो उठा ले तो वो कुछ देर तक उस रस्म को प्रैक्टिस करता है जब तक वो इंटरनलाइज ना हो जाए. एक तरीके से वो रस्म होती है. तो रस्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है
जो चीज हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर सके, यानी कोई आदर्श का पालन किसी रस्म के बगैर हो ही नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे आज के जमाने में, मतलब इसके भारत के संदर्भ में अगर देखें, जो बहुत ही वो हो गया है, हम बोलते हैं भारत, जैसे कुछ कोई भी आदर्श का नारा पकड़ लो, हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब ठहरे भाई भाई, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है? नारा तो लग जाता है लेकिन होगा कैसे, है ना? तो इसकी रस्म चाहिए होती है। तो हम बोलते हैं कोई भेद नहीं होगा, सब बंधु हैं। मैं तुमने जब मेरे साथ शेयर किया था तो मुझे बंधु का विपरीत शब्द भेदिया लगा था, है, जैसे जो भेद करे, ठीक है। खैर, तो वो हाँ, तो हम कैसे भेद ना करें, हैं, कैसे साथ में बैठ सकते हैं? आप उसको बोलते कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल के हिसाब से मेरे साथ में, मैं इसको सिर्फ इसी तरीके से मानूंगा। तो ऐसे कुछ रस्म की जरूरत होती है, मुझे लगता है, किसी भी नए आदर्श को का पालन करने में, या पालन से ज्यादा आदर्श भी बहुत रोमांटिक होता है, पता है? मतलब इनफैक्ट मॉरल्स आर द मोस्ट रोमांटिक थिंग्स। जैसे तभी उनका नाम आदर्श है जो दर्शन से आया है, कि आपको किसी चीज का दर्शन हो जाता है, फिर आपको उसका उसकी तरफ खिंचाव रहता है, आपको वो मिलती नहीं है, तो आप उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और कोई भी चीज आपको गलत लगेगी। इसीलिए आदर्श की तरफ बढ़ना ही सही होता है। जैसे आपको किसी से इश्क हो जाए तो आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं और बाकी सब गलत होता है, और वह उसी के साथ रहना सही होता है। तो उसी तरीके से आदर्श सही गलत भी ऐसे तय करते हैं, और वही एक तरीके से मॉरल्स ही एक तरीके से आपका स्वधर्म बनाता है, यानी सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन में। खैर, ये सब बात की बात है। मैं यहाँ जो कहने का मतलब था वो था कि गीत संगीत से तो होगा ही बंधुत्व बनेगा ही, और कुछ रस्मों से भी बन सकता है, तो उन रस्मों को बनाना और खोजना भी बहुत जरूरी है। मैं भी सोचूंगा, तुम ज्यादा सोच लोगी, ये ठीक है। चलो मैं जाता हूँ। ठीक है, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू शलाका, थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अनु, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। हमने ये पूरा सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है और कुछ दिनों में इसको हम पाक बंधु के पेज पर अपलोड कर देंगे विद ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। Bye, Kavish. Thank you so much. Good night. Bye. Good night. Take care. Bye. Bye-bye.